Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. Go, 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 go. Hey वेलकम टू जे केमिस्ट्री सोनाइस जैसे कि आपको पता है कि हमने क्रैश को स्टार्ट किया हुआ है तो अभी तक हम दो चैप्टर्स ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं ग्रुप थेरी एंड ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी अगर आपने वो नहीं देखे आप रिवाइज करना चाहते हैं दोनों का ही लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी वहां से जाकर आप चेक कर सकते हैं आज बात करते हैं केमिकल बॉन्डिंग की अगर केमिकल बॉन्डिंग देखा जाए ना बहुत बड़ा चैप्टर है अब जितना ज़्यादा पढ़ो मतलब तो जितना पढ़ना चाहे उतना पढ़ सकते हैं ठीक है लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं स्ट्रिक्टली एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू बेस्ड तो अगर हम बात करें सी एस आई आर नेट में इस चैप्टर से कौन से टॉपिक से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं कौन से आपको अच्छे से रिवाइज करके जाने हैं तो उसके लिए मैंने यहाँ पर एक टेबल बना रखी है इसमें जो अपने लास्ट फोर एग्जाम्स हुए ना नेट के उनमें कौन से कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आया है मैं आपको वो बताने जा रही हूँ ठीक है एक बार आप ये देखेंगे उसके बाद मैं लास्ट में, में समराइज कर दूंगी कौन से टॉपिक्स पे आपको बेसिकली ज्यादा फोकस करना है और इसके बाद ही पूरी वीडियो आपके रिविजन की रहने वाली है ठीक है जो जो ये मेन टॉपिक्स हैं इन सबके जो क्वेश्चन हैं अगर आप ये वीडियो पूरा देखते हैं उसका सॉल्व कर पाएंगे आराम से ठीक है तो सबसे पहले अगर हम बात करें सी एस आई आर ने जून ट्वेंटी ट्वेंटी वन की यानी कि जो एग्जाम हुआ था अभी फाइव ट्वेंटी ट्वेंटी टू में उसमें जो क्वेश्चन आए थे ना देखो सिंपल सी बात है एक क्वेश्चन पूछा गया था कि आपको सिर्फ लोन पेयर्स काउंट करने किसमें साइनोजन अजाइड और थायोसाइनोजन में अब जिसको स्ट्रक्चर बताया है वो स्ट्रक्चर ड्रॉ करेगा ल्यू स्ट्रक्चर बनाएगा डायरेक्टली बता देगा इतने लोन पेयर्स हैं जिसको नहीं आता फंस गया क्वेश्चन तो ये दोनों तो हम डिस्कस करने ही वाले हैं इसके साथ साथ ऐसे ही सिमिलर जो नेम से पूछे जा सकते हैं ऐसे ही दो तीन एग्जांपल्स और डिस्कस करेंगे आज वाली क्लास में ठीक है इसके बाद एक सिंपल सा क्वेश्चन आया था इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का उसमें आपको दो तीन एलिमेंट दे रखे थे उनके आपको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर बताना था तो हमें ना कई बार लगता है कि हम बहुत हाई लेवल की चीज़ें पढ़ेंगे एमओ डायग्राम पढ़ेंगे बहुत हाई लेवल का लेकिन एक्चुअल में क्या हो रहा है आजकल इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आइनाइजेशन एनर्जी से हर बार क्वेश्चन आ रहा है इन तीनों में से किसी एक पे हो सकता है दोनों पे भी, भी आए लेकिन आपको ये पढ़नी है वाली चीज़ें ठीक है हमें लगता है सब तो जैम के लेवल के क्वेश्चन से नहीं पूछ जाएंगे बट आजकल पूछ रहे हैं नेट में भी पूछ रहे हैं ठीक है सो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का सिंपल सा आपको ऑर्डर बताना था उसके बाद शेप ऑफ से तो आता ही है या तो मल्लिक यूज़ आपसे शेप पूछ लेंगे या फिर ज्योमेट्री पूछ लेंगे या स्ट्रक्चर पूछ सकते हैं ठीक है तो ये तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है इसके बाद सिंपल सा क्वेश्चन था कि एच जी टू टू प्लस में बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा और कौन से ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व है ठीक है सो तो ये एमो थेरी का क्वेश्चन भी हमेशा आता है लास्ट में हम समराइज़ करेंगे कौन से टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सिर्फ देख लो क्वेश्चन कौन से पूछे गए थे अगर बात करते हैं जून ट्वेंटी ट्वेंटी की तो यहाँ पर एक क्वेश्चन देखने को मिला था जिसमें आपको बताई थी एनर्जी ऑफ इंटरेक्शन कि अगर हम बात कर रहे हैं आयन आयन पेयर इंटरेक्शन की या फिर आयन डाइपोल इंटरेक्शन की डायपोल डायपोल इंटरेक्शन की तो जो एनर्जी ऑफ इंटरेक्शन है वो रेडियस या फिर डिस्टेंस के साथ कैसे वेरी कर रहा है ठीक है ये पूछा गया था इसके आप, आपको एक टेबल प्रोवाइड करेंगे आपको समझ में आ जाएगा इन सबके लिए अलग अलग कैसे वेरी करता है विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस ठीक है इसके बाद एमोथियरी से यहाँ पे दो क्वेश्चन पूछे गए थे जनरली आपसे बोन ऑर्डर पूछते हैं फिर बोन लेंथ पूछते हैं फिर एनर्जी लेवल्स का ऑर्डर पूछ लेते हैं ठीक है सो एमोथेरी काफी इंपॉर्टेंट है मतलब मोलिकुलर ऑर्बिटल थे ठीक है इसके बाद सिंपल आयनाइजेशन एनर्जी के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था तो किसकी ज्यादा है किसी का मैं ऑर्डर लगाना था ठीक है सो आयनाइजेशन भी इंपॉर्टेंट हो गया और यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर भी बेस्ड एक सिंपल सा क्वेश्चन आया था तो आपको फिर से बोलती हूँ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आयनाइजेशन एनर्जी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमें लेते हैं बहुत बेसिक क्वेश्चन यहाँ से आएंगे नहीं मतलब बहुत बेसिक टॉपिक्स हैं यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा बट पूछते हैं यहाँ से तो आपको ये तीनों अच्छे से रिवाइज कर लेने हैं है ठीक है इसके बाद भाई शेप ऑफ मोलिक्यूस पूछते हैं हर बार फिर अगर बात करते हैं 2019 दिसंबर की तो वहाँ पे आपको सिंपल एक बोन एंगल का ऑर्डर बताना था ठीक है जो कि बेसिक क्वेश्चन था अगर आपने पढ़ा हो आप कर लेंगे फिर से एमओ एमोथेरी से क्वेश्चन आया एक तो एनर्जी लेवल का ऑर्डर बताना था एक बोन ऑर्डर आपको बताना था ठीक है इसके बाद फिर से आइनाइजेशन एनर्जी पर क्वेश्चन है तो अभी आप देख के आई थिंक समझ गए होंगे कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है यहाँ पर फिर से वही हुआ एमओ एमोथेरी में एनर्जी लेवल्स के ऊपर क्वेश्चन आया और फिर यहाँ पे आपको सिंपल बताने थे कौन सा इनमें से इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन अलाउड है कौन सा फॉरबिडन है ठीक है वो भी हम डायटोमिक मोलिक जो होते हैं उसमें देख सकते हैं आराम से ऐटोमिक सिंबल्स कैसे निकालते हैं टर्म सिंबल्स कैसे निकालते हैं वो आप, आप देख लेंगे आज रिवाइज हम करवा देंगे उसके बाद कौन से ट्रांजेशन अलाउड है कौन से फॉरबिडन है वो भी आप आज रिवाइज कर सकते हैं यहाँ से आपको समझ आ जाएगा कैसे निकालना होता है ठीक है फिर सिंपल एक जोमेट्री पूछी हुई थी मोलिक की और लास्ट में एमोथेरी के ऊपर बेस्ड बॉन्ड लेंथ और ऑक्सीडाइजिंग नेचर आपको बताना था देख के आप समझ ही गए होंगे अगर हम बात करते हैं ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जो आ, केमिकल बॉन्डिंग से बार बार पूछे जाते हैं जो बिल्कुल लीव नहीं करने कौन से हैं सबसे पहले तो मोलिक रॉबिटल थेरी यह आप अच्छे से रिवाइज करेंगे बिल्कुल बेसिक से लेकर चल तो आगे तक पढ़ेंगे ठीक है कि लेवल्स कैसे कैसे होते हैं कब टू नीचे होता है टू ऊपर नीचे लेवल आपको प्रॉपर देखना है ठीक है कब ये वाला डायग्राम बन रहा है कब ऐसे बनाएंगे कब ऐसे बनाएंगे आपको प्रॉपर देखना है ठीक है सब कुछ आना चाहिए क्योंकि सिंपल सिंपल डायटोमिक मोलिकस में पूछते हैं क्वेश्चन गलत हो जाता है ठीक है आपको ये अच्छे से करना है इसके बाद आयनाइजेशन एनर्जी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ठीक है इनके ऊपर बेसिक क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपको ये भी रिवाइज करके जाना है शेप निकालना मोलिक्यूल की ज्योमेट्री निकालना या फिर स्ट्रक्चर बताना ठीक है यहां से क्वेश्चन आ रहे हैं इसके बाद बचता है अपने पास बॉन्ड एंगल से पूछ सकते हैं या फिर जो ये वाला पोर्शन है एनर्जी ऑफ इंटरेक्शन इसी बार पूछा गया था बाकी सब हमने कवर कर ही लिया है ठीक है सो जो मेन मेन पॉइंट्स हैं आपको बता दिए आपको इन वाले टॉपिक्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है इन सबको ही हम आज वाली क्लास में रिवाइज करवाने वाले हैं तो अगर आपने नोट्स पहले बनाए और ने पढ़ा हुआ चैप्टर आई एम श्योर पढ़ा होगा उसको अच्छे से रिवाइज करना है बट जो टॉपिक्स हमने यहाँ पर लिखे हैं आपको इनके ऊपर ज्यादा फोकस करना है इनको और ज्यादा अच्छे से रिवाइज करना है ठीक है तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही है आप पूरी रिविजन वीडियो देखना और मुझे अपना फीडबैक पक्का बताना कॉमेंट सेक्शन में हेलो एवरीवन वेलकम टू जे केमिस्ट्री तो आज हम अपने क्रैश कोर्स में केमिकल बॉन्डिंग डिस्कस करेंगे सो केमिकल बॉन्डिंग एक कोई नया चैप्टर तो है नहीं आप लोग इसे एलेंथ क्लास से पढ़ते आ रहे हैं तो हम क्या करेंगे थोड़ा बेसिक से लेके और एडवांस तक जहाँ से हमारा सी नेट एग्ज़ाम में हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहाँ तक इसको कवर अप करेंगे ठीक है तो पहले हमने एनालिसिस किया हुआ जैसे कि हम क्रैश कोर्स की हर वीडियो में आपको दिखाते हैं तो एनालिसिस की अगर मैं बात करूँ तो पिछले चार पेपर का मैंने यहाँ पे एनालिसिस किया हुआ है तो इसमें आप अगर देखेंगे तो आपको कॉन्स्टेंट रिपीटेड टॉपिक क्या मिलेंगे यहाँ पर एक तो आपको यहाँ पर मिलेगा यहाँ पर एम और यहाँ पर शेप वाला टॉपिक ठीक है ये आपको हर जगह दिखेगा एम ओ टी वी एस पी आर और एक ये डायटॉमिक टर्म सिंबल भी हमसे पूछ लिया जाता है तो एम ओ टी और शेप से तो क्वेश्चन हर पेपर में ही आए हुए हैं अगर पिछले आप 10 साल के पेपर भी देखोगे तो वहाँ पर भी आपको वी एस पी आर और उसकी जो एप्लीकेशन हैं और एम से टी ऑर्बिटल थ्योरी और उसकी जो एप्लीकेशन्स हैं उनसे क्वेश्चनस ज़रूर मिलेंगे ठीक है तो उन सब टॉपिक्स को हम डिटेल में कवर करेंगे और भी जो टॉपिक नए आजकल पूछे जा रहे हैं हम उन पर भी फोकस करेंगे तो मैं वही आपको बताऊंगा कि अगर आप रिवीजन कर रहे हैं तो आपके लिए ये बेस्ट वीडियो है आपको बहुत ही कम टाइम में ये पूरी केमिकल बॉन्डिंग रिवाइज करवा देगा ठीक है और क्वेश्चंस भी आपसे एग्ज़ाम में होंगे ठीक है तो स्टार्ट करते हैं तो अगर मैं पहली बात करूँ तो हम पहले बेसिक से चलेंगे ठीक है तो बेसिक क्या है तो ओवरलैपिंग होगा केमिकल कोई बॉन्ड बनता है तो क्या होगा वहाँ पर ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग होती है तो हम देखते हैं कि किस तरह की ओवरलैपिंग से किस तरह के बॉन्ड बनते हैं ठीक है थीके? तो फर्स्ट अपना क्या है यहाँ पर फर्स्ट अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पर तो हेड और एंड टू एंड ओवरलैपिंग होती है जिससे मेरे क्या बनते हैं सिग्मा बॉन्ड बनते हैं ठीक है सिग्मा बॉन्ड बनते हैं है, आप सिग्मा बॉन्ड कौन कौन से ऑर्बिटल बना सकते हैं लेट से ये मेरी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है ठीक है एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकती है अगर जनरली हम क्या पढ़ते हैं कि हमारी जेड जो होती है वो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस होती है ठीक है तो यहाँ पर हो क्या रहा है एक यहाँ पर एक मैंने पी ऑर्बिटल बनाया हुआ और एक यहाँ पर मैंने एस ऑर्बिटल बनाया हुआ है ठीक है तो इनकी ओवरलैपिंग हो रही है हेड ऑन ओवरलैपिंग तो इससे जो हमारा बॉन्ड बन रहा है वो सिग्मा बॉन्ड बन रहा है ठीक है तो आप देखेंगे यहाँ पर एक तो दो लोब्स इन्वॉल्व हैं यहाँ पर क्या दो लोब्स ठीक है दो लोब्स हैं और यहाँ पर कितने एक मेरा ओवरलैपिंग जोन है ठीक है ओवरलैपिंग जोन को मैं ओ जेड से लिख रहा हूँ ठीक है तो ये सब चीज़ें भी आपसे पूछ सकते हैं ठीक है थीके? तो यहाँ पर दो लोब्स चाहिए मिनिमम मेरे को सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए और एक ओवरलैपिंग जोन होगा वहां पर ठीक है अब अगर मैं बात करूं नेक्स्ट की तो नेक्स्ट की मेरी क्या है यहाँ पर साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है या तो मैं क्या है? बोल दूँ उसको पैरेलल ओवरलैपिंग भी बोल सकते हैं ठीक है उसमें क्या है मेरी यहाँ पर चार लोप क्या होती है मेरी इन्वॉल्व होती है आप देख सकते हैं यहाँ पर चार लोब्स होंगी फोर लोब्स होंगी और यहाँ पर मेरे दो ओवरलैपिंग जोन आएंगे ठीक है दो ओवरलैपिंग जोन तो इस तरह के बॉन्ड क्या बोलते हैं हम पाई बॉन्ड बोलते हैं ठीक है तो अगर मेरी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस क्या हो अगर मैं जेड ले लूँ यहाँ पर जेड एक्सिस तब मेरे कौन कौन से पाई बॉन्ड मेरा पी एक्स और पी वाई वाले बॉन्ड बनाएंगे और अगर जेड इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है तो मेरे जो पीजट वाले ओवरलैप करेंगे वो क्या करेंगे सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे ठीक है वहाँ पे अगर मैं पी पी के दिखा दूंगा तो इसलिए हम ज़्यादातर देखते हैं तो पीजट वाला जो होता है मेरा सिग्मा बॉन्ड बना रहा होता है ठीक है उसके बाद मेरा क्या आता है यहाँ पर डेल्टा बॉन्ड हम पढ़ते हैं ठीक है तो डेल्टा बॉन्ड के लिए मेरे पास चार लोप्स चाहिए ठीक है तो चार लोब्स किस में होते हैं मेरे डी ऑर्बिटल्स में होती हैं डी ऑर्बिटल्स ही होने चाहिए ठीक है डी ऑर्बिटल्स में मेरी चार लोब्स इन्वॉल्व होती हैं तो यहाँ पर क्या होती हैं यहाँ पर क्या इसको फेस बाई फेस टू फेस ओवरलैपिंग बोलते हैं क्या होगा यहाँ पर एक डी ऑर्बिटल दूसरे डी ऑर्बिटल से क्या करेगा ओवरलैप करके यहाँ पर एक डेल्टा बॉन्ड बना लेगा ठीक है अब यहाँ पर अगर ओवरलैपिंग जोन की बात करूँ तो यहाँ पर कितने ओवरलैपिंग जोन आएंगे चार तो मेरे ओवरलैपिंग जोन आएंगे और लोब्स कितनी इन्वॉल्व है चार चार एट जो है मेरी वो लोब्स इन्वॉल्व है ठीक है तो इस तरह से मेरे डेल्टा बॉन्ड नहीं बनती अब अगर मैं जेड इंटरन्यूक्लियर एक्सिस अगर मेरी क्या है जेड एक्सिस है तो मेरे जो डी एक्स वाई और डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वाले जो ऑर्बिटल होते हैं वो मेरे क्या बनाते हैं डेल्टा बॉन्ड बनाते हैं ठीक है थीके? तो ये तो हो गई हमारी ओवरलैपिंग की ठीक है अब हम देखेंगे स्ट्रेंथ ऑफ ओवरलैपिंग जो ओवरलैपिंग हो रही है उनकी स्ट्रेंथ क्या है कौन सा ओवरलैपिंग जो है वो स्ट्रांग बॉन्ड बनाएगा कौन सा हमारा वीक बॉन्ड बनाएगा ठीक है तो इसकी स्ट्रेंथ के लिए आप क्या ध्यान रखना है दो रूल ध्यान रखना है एक तो क्या होती है जो स्ट्रेंथ होती है वो मेरी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज़ होती है तो मैं एन बोल दूँ ठीक है एन मतलब मेरा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ठीक है साइज़ होगी और क्या होगा यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या डायरेक्शनल नेचर होती है डायरेक्शनल नेचर ठीक है अब डायरेक्शनल नेचर जो होता है मेरा वो मेरा पी का सबसे ज़्यादा होता है देन मेरा क्या होता है डी का ज़्यादा होता है देन मेरा एफ का होता है और देन मेरे लास्ट में एस का होता है ठीक है ये हमारा क्या होता है डायरेक्शनल नेचर होता है ठीक है और एक एक और चीज़ आप क्या ध्यान रखेंगे उसके बाद क्या करेंगे Nature of, नेचर ऑफ nature of, नेचर ऑफ नेचर ऑफ डी orbital. ठीक है जो डी ओवरलैप पी ऑर्बिटल से करते हैं तो वहां पर एक इंक्लाइन नेचर जिसके वजह से ओवरलैपिंग अच्छी होती है ठीक है तो जब डी और पी की बारी आएगी तब आप ये कंसीडर करेंगे अदरवाइज उन दो रूल को ही फॉलो करेंगे ठीक है तो अब अगर मैं आपको दूं, अगर मेरी मान लो यहां पर ऐसे है ओवरलैपिंग हो रही है एक मेरी हो रही है एस पी और एक मेरी हो रही है पी पी ठीक है और यहाँ पर एन की वैल्यू अभी मैं कंसिडर नहीं कर रहा एन मैं मान रहा हूँ कि सबका सेम है ठीक है तो उसमें उस केस में, उस में क्या होगा यहाँ पर अगर मैं पी पी की बात करता हूँ अगर मैं एन की वैल्यू लेट सपोज यहाँ पर टू ले लेते हैं यहाँ पर टू एस ले लेते हैं टू एस टू पी टू पी एंड टू पी ठीक है अब अगर मैं इनकी स्ट्रेंथ आपसे पूछूँ तो मैंने क्या बताया पहले एन की वैल्यू सेम है एन से हम इनको वो नहीं कर सकते ठीक है तो डायरेक्शनल नेचर देखें डायरेक्शनल नेचर किसका है पी का ज़्यादा है किससे डी से एफ और एस से ठीक है तो पी पी वाला तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा होगा ये वाला होगा ठीक है ये सबसे स्ट्रॉन्ग होगा देन मेरा क्या आएगा ये सबसे स्ट्रॉन्ग होगा देन मेरा क्या एस पी वाला है क्योंकि यहाँ पर पी ऑर्बिटल इन्वॉल्व है और लास्ट मेरा क्या आएगा एस आ जाएगा ठीक है तो ये ऑर्डर हो जाएगा किसका इनका ऑर्बिटल्स का फिर मैंने आपके लिए यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है ठीक है इसमें अगर आप स्टन देखेंगे ठीक है तो सबसे पहले क्या देखेंगे आप एन की वैल्यू देखेंगे अब एन की वैल्यू अगर आप यहाँ देखेंगे तो सबसे कम इसमें ठीक है तो आप क्या करेंगे सेकंड को सबसे ज़्यादा स्ट्रॉग बॉन्ड बोल देंगे लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि वन पी तो एग्जिस्ट ही नहीं करता मेरा वन पी और क्या करता है वन पी जो होता है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता ठीक है तो ये तो अनस्टेबल होगा तो ये सबसे लास्ट में आएगा सबसे कम इसकी होगी सेकेंड वाले की उसके बाद हम क्या देखेंगे अब हम एन की वैल्यू देखते हैं तो यहाँ पर टू टू है यहाँ पर टू थ्री है थ्री थ्री और टू थ्री है तो टू टू वाला आएगा तो सबसे ज़्यादा हो जाएगा टू वाला फर्स्ट वाला सबसे ज़्यादा हो जाएगा ठीक है अब हम देखते हैं अब हम टू थ्री पर आएंगे तो टू थ्री वाला ये है और टू थ्री वाला ये है तो यहाँ पर पी पी की हो रही है और यहाँ पर किसकी हो रही है पी और डी की हो रही है तो अब आप क्या करेंगे इंक्लाइन नेचर ऑफ डी विद पी कंसिडर करेंगे तो ये वाला जो होगा वो स्ट्रांग होगा तो थर्ड आएगा और फिर मेरा आएगा कौन सा फिफ्थ आएगा और फिर मेरा क्या आएगा यहाँ पर फोर्थ वाला ठीक है तो ये मेरा जो हो जाएगा स्ट्रेंथ का ऑर्डर आ जाएगा ठीक है नेक्स्ट चलते हैं तो नेक्स्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा हाइब्रिडाइजेशन ठीक है तो हाइब्रिडाइजेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपको वी ए सी प्य थी समझनी हो या कुछ भी समझना हो आपको शेप निकालनी हो तो हाइब्रिडाइजेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है तो हाइब्रिडाइजेशन की अगर मैं बात करूँ तो क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन में तो हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है बेसिकली क्या होता है जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं वो इंटरमिक्स करते हैं अगर वो सिमिलर एनर्जी के होते हैं इंटरमिक्स करके न्यू ऑर्बिटल बनाते हैं और वो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं ठीक है थीके? तो अगर मैं हाइब्रिडाइजेशन की बात तो हम सीधा यहाँ पे क्या हाइब्रिड नंबर या हम क्या करते थे स्टेरिक नंबर फाइन करते हैं क्या करते हैं स्टेरिक नंबर फाइन करते हैं ठीक है थीके? क्या होता है इसका फॉर्मूला स्टेरिक नंबर फाइंड करने का या फिर इसको हम हाइब्रिड नंबर ही बोलते हैं तो क्या होता है वन बाई टू ठीक है फिर क्या होगा सेंट्रल वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम प्लस मोनोवैलेंट एटम अटैच टू सेंट्रल एटम माइनस केटाइनिक चार्ज प्लस एनाइनिक चार्ज ठीक है तो वी क्या है यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन है सेंट्रल एटम के एम क्या है मोनोवैलेंट एटम जो अटैच हैं सेंट्रल एटम से और सी क्या है कैटाइनिक चार्ज जितना होगा उस पर कंपाउंड पे और एक है एनइनिक चार्ज ठीक है तो इस फॉर्मूले से जो स्टेरिक नंबर आते हैं ये स्टेरिक नंबर लिखे हुए यहाँ पर मैंने और क्या हाइब्रिडाइजेशन आती है वो यहाँ पर पहले से लिखा हुआ है तो आप देखेंगे अगर स्टेरिक नंबर क्या आता है टू आता है ठीक है अगर स्टेरिक नंबर टू आता है तो मेरी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है एस होती है और जो मेरी यहाँ पर ज्योमेट्री आती है वो क्या आती है लीनियर आती है ठीक है लीनियर ये ध्यान रखना है हमें उसके बाद अगर स्टेरिक नंबर थ्री आता है तब तो मेरी हाइब्रिडाइजेशन एस होती है और ट्रायोनल प्लेनर आती है अब यहाँ पर sp2 और अगर मेरा d ब्लॉक का एलिमेंट आ जाता है तो हमें यहाँ पर sd2 हाइब्रिडाइजेशन हाइब्रिडाइशन भी देखने को मिलती है ठीक है sd2 जैसे कि मेरा सी आर ओ थ्री ठीक है इसमें मेरी क्या होती है sd2 होती है तो ये भी ट्राइगोनल प्लेनर होते हैं तो अगर मैं उसके बाद अगली बात करूँ अगर कर मैं चार स्टेरिक नंबर के लिए तो चार स्टेरिक नंबर मेरा कब होगा तो उस टाइम मेरी sp3 आ सकती है एस डी थ्री आ सकती है और डी एस पी टू या एस पी टू डी भी बोल देते हैं हम ठीक है तो ये आ सकती है तो इन दोनों केस में तो टेट्रा हेडल आएगा ठीक है और इस केस में मेरा स्क्वायर प्लेनर आता है अब मैं अगर डी ऑर्बिटल की बात करूँ कौन से डी ऑर्बिटल मेरे इन्वॉल्व होंगे तो यहाँ पर टेट्रा हेडल में बेसिकली अगर मैं पी ऑर्बिटल की बात करूँ तो तीनों पी होते हैं मेरे पी एक्स पी वाई एंड पी जेड ठीक है और अगर मैं डी की बात करूँ तो वही मेरे डी एक्स वाई डी एक्स जेड एंड डी वाई जेड जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं ठीक है अब अगर मैं बात करूँ डी एस पी टू की तो आपको पता है स्क्वायर प्लेनर है स्क्वायर प्लेनर है तो यहाँ पर मेरा कौन सा डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है यहाँ पर मेरा डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वाला ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है ठीक है स्क्वायर प्लेनर में एक ही डी ऑर्बिटल है उसके बाद अगर मैं बात करूँ स्टेरिक नंबर किसकी फाइव की अगर स्टेरिक नंबर मेरा फाइव है तो उस केस में मेरा क्या आएगा एस पी थ्री डी आईबीडाइडिशन आ सकती है अब इसमें भी दो केस बनते हैं एक तो टीबीपी वाला केस बनेगा और एक स्क्वायर पिरामिडल वाला केस बनेगा तो टीबीपी कब बनेगा टीबी पी अगर आएगी तो मेरा डी ऑर्बिटल जो इन्वॉल्व होगा वो डी जेड स्क्वायर होगा ठीक है और स्क्वायर पिरामिडल में क्या होगा मेरा जो डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा वो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर होगा ठीक है तो ये हमें ध्यान रखना है दो ज्योमेट्री पॉसिबल हैं एस पी थ्री डी के लिए टाइगोनल बाई पिरामिडल और स्क्वायर पिरामिडल ठीक है उसके बाद अगर मैं बात करूँ किसकी सिक्स कॉर्डिनेशन सिक्स सेरिक नंबर की तो सिक्स सेरिक नंबर का बात है उसमें मेरी क्या होती है एक तो मेरा एस पी थ्री डी टू हाईब्रिड हो सकती है डी टू एस पी थ्री हाईब्रिड हो सकती है और क्या उसमें ज्योमेट्री क्या आएगी ऑक्टा हाइड्रल आएगी ठीक है एक मेरी एस डी फाइव भी होती है ठीक है इस केस में मेरा क्या ट्राइगोनल प्रिजमेटिक आती है और इसका अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ तो टंगस्टन यहाँ पर ये जो मिथाइल कॉम्प्लेक्स है इसका सिक्स ठीक है तो ये क्या होता है मेरा यहाँ पर ये वाला इसका एग्जाम्पल है एस डी फाइव हाइब्रिडाइशन के लिए ठीक है ट्राइगोनल प्रिजमेटिक इसकी स्ट्रक्चर होगी ठीक है अब इनमें अगर मैं डी ऑर्बिटल की बात करूँ तो इनमें जो डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व होते हैं वो क्या होते हैं डी जेड स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायेयर और वाई स्क्वायर ये दो ऑर्बिटल मेरे क्या होते हैं इन्वॉल्व होते हैं इसमें तो पाँचों आ जाएंगे ठीक है फिर ये पी थ्री डी थ्री वाला केस इसमें क्या होते है परफेक्ट ट्राइडल होती है जोमेट्री इसको हम क्या करेंगे बाद में थोड़ा देखेंगे ठीक है इसको अभी रहने देते हैं इसको हम अभी आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे इस हाइब्रिडाइजेशन को अब अगर मैं बात करूँ किसकी स्टेरिक नंबर सेवन की ठीक है स्टेरिक नंबर सेवन है तो कौन सी हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल है एस पी थ्री डी थ्री हो सकती है एस पी थ्री डी थ्री में मेरी क्या दो हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल है एक तो पेंटागनल बाई और एक मोनोकैब्ड ऑक्टाहेड्रल ठीक है पेंटागनल बाई आपको पता है कौन सा ऑर्बिटल इन्वॉल्व होंगे डी जेड स्क्वायर डी एक्स वाई और डी एक्स स्क्वायर

तो एट में अगर मैं बात करूँगा तो मेरी क्या क्या आ सकती है हाइब्रिडाइजेशन एक तो एस पी आ सकती है और एक एस पी आ सकती है ठीक है अगर मैं बात करूँ एस पी तो इसके लिए मेरे पास दो जोमेट्रीज़ होती हैं दो जो कौन कौन सी हो सकती हैं स्क्वायर एंटी प्रिज्म हो सकती है और डू डे का हाइड्रॉन हो सकती है ठीक है स्क्वायर एंटी प्रिज्म की बात करूं तो आ, उसमें जो डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व होंगे एक तो डी एक्स वाई डी वाई जेड और डी जेड एक्स ये तीन ऑर्बिटल इन दोनों में ही इन्वॉल्व होते हैं एक ऑर्बिटल का फ़र्क आता है इस वाले में क्या होगा मेरा एक जो फोर्थ डी ऑर्बिटल होगा वो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर होगा और इसमें जो होगा वो डी जेड स्क्वायर हो जाएगा ठीक है तो अगर डी जेड स्क्वायर है और तीन ऑरबिडल कौन से वो तो डी एक्स वाई डी वाई जेड और डी जेड एक्स वो तो कॉमन है बाकी क्या सिर्फ डिफरेंस है कि स्क्वायर एंटी प्रिज्म में मेरे डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इन्वॉल्व होगा और डू डेका में, में मेरा डी जेड स्क्वायर इन्वॉल्व होगा ठीक है अब अगर मैं बात करूँ इसकी एस पी थ्री डी थ्री एफ तो यहाँ पर एफ ऑर्बिटल भी आ गया तो इसमें क्या होती है जो मेरी क्यूबिक होती है ठीक है क्यूबिक होती है और जो एफ ऑर्बिटल यहाँ पे इन्वॉल्व होता है वो एफ एक्स वाई जेड वाला होता है ठीक है एफ़ एक्स वाई z वाला होता है और d वाले वही मेरे डी एक्स वाई डी एक्स जेड और डी वाई जेड वाले ठीक है इसका अगर मैं एग्ज़ाम्पल की बात करूँ तो इसका एग्ज़ाम्पल है यहाँ पर f ऑर्बिटल किसके पास होते हैं मेरे f ब्लॉक के एलिमेंट के पास होते हैं तो वही क्या बनाएंगे इस टाइप के हाइब्रिडाइजेशन वाला कॉम्प्लेक्स तो पी ए एफ एट और थ्री नेगेटिव जो होता है मेरा वो इसका इस हाइब्रिडाइजेशन का एक एग्ज़ाम्पल एक है ठीक है लास्ट अगर मैं बात करूँ किसकी इसकी यहाँ पर एस पी थ्री और डी फाइव की बात करूँ अगर मैं ठीक है तो इसमें जो जोमेटरिया है वो ट्राई कैप ट्राइगनल प्रिजमेटिक आएगी ठीक है सेरिक नंबर मेरा कितना होगा यहाँ पर नाइन होगा ठीक है इसके अगर एग्जाम्पल की बात करूँ तो इसका एग्जाम्पल है आर ई एच नाइन ठीक है और यहाँ पर टू नेगेटिव ठीक है तो ये क्या है एग्जा एग्जाम्पल हो जाएगा सो so, अब नेक्स्ट स्लाइड में हम चलते हैं तो नेक्स्ट स्लाइड में मैंने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए हैं और इनके हम क्या करेंगे हाइब्रिडाइजेशन को कैलकुलेट करना सीखेंगे बाय द जो मैंने अभी फॉमूला बताया और अगर उस फॉर्मूला कहीं अप्लाई नहीं हो रहा वैसे तो ज़्यादातर जगह वो फॉमूला जो होगा वो अप्लाई हो जाएगा अगर वो कहीं मान लो नहीं होता है वो फॉर्मूला अप्लाई तो हम देखेंगे कैसे हम दूसरे अप्रोच से भी हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं ठीक है थीके? तो फर्स्ट एग्जाम्पल जो मैंने लिखा हुआ है तो उसको आप वीडियो पॉज करके ट्राई कर सकते हैं पहले उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर क्या है बेसिकली आयोडीन दे रखा है आयोडीन अब आपको यह भी पता होना चाहिए कि सेंट्रल आइटम क्या होगा तो सेंट्रल आइटम एक तो सेंट्रल आइटम बताने के लिए सेंट्रल आइटम क्या हो सकता है मेरा या तो लेस इन नंबर हो लेस इन नंबर और सेकेंड क्या है लार्ज साइज ठीक है तो इन दो चीजों से हम क्या कर डिसाइड करेंगे कि हमारा सेंट्रल आइटम क्या होगा तो यहां आप देखते लेस इन नंबर आयोडीन तो यहाँ पर आयोडिन कैमरा सेंट्रल आइटम होगा ठीक है इसके स्टेरिक नंबर फाइंड करते हैं या हाइब्रिड नंबर तो कैसे आएगा वन बाई टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं आयोडीन के सेवन प्लस मोनोवेलेंट कितने एट ठीक है और कैटाइनिक चार्ज तो है नहीं तो एनइनिक चार्ज वन प्लस कर देंगे तो जब इसको आप निकालेंगे तो कितना आएगा ये एट प्लस सेवन फिफ्टीन सिक्सटीन डिवाइड बाई टू तो एट आ जाएगा स्टेरिक नंबर एट के लिए अभी हमने देखा था पीछे हाइब्रिडाइजेशन क्या होती थी एस पी थ्री डी फोर और ज्योमेट्री क्या होती थी मेरी एंटी प्रिज्म ठीक है तो यहां से हमने हाइब्रिडाइजेशन भी निकाल ली और क्या निकाल लिया हमने ज्योमेट्री भी बता दी ठीक है उसके बाद अगर बात करूँ सेकंड की तो सेकंड अभी मैंने पीछे एग्जाम्पल में बताया था आपको ठीक है तो इसका सिर्फ एक नंबर कितना है वन बाई टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं मेरे यहाँ पर रीनियम है रीनियम किस में आता है मेरे मैग्नीज वाले में इनके मेरे सात वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं प्लस यहाँ पर नाइन मोनोवैलेंट हाइड्रोजन है प्लस टू करूँगा तो जो स्टेरिक नंबर आएगा इसका कितना आ जाएगा नाइन आ जाएगा और नाइन के लिए भी हमने देखा था क्या था एस पी थ्री डी फाइव हाइब्रेडाइजेशन होती थी और जो मेट्रिक की बात करूँगा तो ट्राई कैप ट्राइगोनल प्रिजमेटिक होती है ठीक है थर्ड वाला देखते हैं थर्ड वाला इंपॉर्टेंट है तो थर्ड वाला क्या है मेरा एन नो टू रेडिकल है ठीक है एनो टू रेडिकल कैसे बनाएंगे हम यहां पर ऑक्सीजन यहां पर भी ऑक्सीजन और एक इलेक्ट्रॉन यहां पर सिंगल बच गया ठीक है इसको हम ऐसे दिखा देते हैं सिंगल इलेक्ट्रॉन ठीक है एक रेडिकल स्पीशीज है तो रेडिकल में आपको ये ध्यान रखना है अगर रेडिकल सिंगल है तो इसको आप हाइब्रिडाइजेशन में काउंट कर लेंगे ठीक है तो इसको कैसे निकालेंगे बेसिकली इसके लिए फॉर्मूला जो मैंने भी बताया वो थोड़ा सा वैलिड नहीं है इसको आपको स्ट्रक्चर से ही निकालना पड़ेगा ठीक है तो इसको हम कैसे निकालते हैं एक तो मेरा क्या हो गया यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए मेरे दो सिग्मा बॉन्ड आ गए ठीक है प्लस यहाँ पर अगर लोन पेयर नहीं प्रेजेंट है तो रेडिकल को आप एज अ लोन पेयर ट्रीट कर सकते हैं ठीक है क्योंकि ये थोड़ा सा रिपल्शन करेगा यहाँ पर तो यहाँ पर इसको क्या करेंगे वन लोन पेयर बोल देंगे ठीक है लोन पेयर या रेडिकल बोल देंगे ठीक है तो इस टू प्लस वन करेंगे तो कितना है नंबर थ्री आ जाएगा शेरिक नंबर ऐसे भी निकाला जा सकता है ठीक है शेरिक नंबर कैसे ऐसे भी निकाला जा सकता है बॉन्ड पेयर सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर से भी शेरिक नंबर आ जाता है ठीक है तो थ्री आ गया और थ्री के लिए भी हमने क्या देखा था एस पी टू देखा था ठीक है तो इसको हम ऐसे फाइंड करेंगे तो थ्री के लिए क्या आती है एस पी टू तो आप देख सकते हैं ये प्लेनर है और अगर उसको मैं काउंट नहीं करूँगा तो ये एंगुलर शेप का आ जाएगा वरना इसकी ज्योमेट्री जो आएगी वो ट्राइगनल प्लेनर आएगी अब अगर बात करूँ नेक्स्ट एग्जाम्पल की सी एल ओ टू रेडिकल ठीक है तो सी एल ओ टू रेडिकल कैसे बनेगा सी एल है दो बॉन्ड डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ठीक है अब क्लोरीन ने अपने कितने चार इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए कितने होते हैं सेवन होते हैं तो एक तो लोन पेयर आ जाएगा उसके पास और एक मेरा क्या जाएगा? और आ जाएगा ऑर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाएगा ठीक है इसको ऐसे दिखा देते हैं सपोज सिंगल इलेक्ट्रॉन आ जाएगा अब यहाँ पर क्या है लोन पेयर प्रेजेंट है लोन पेयर जब प्रेजेंट होगा उस टाइम आप इसको काउंट नहीं करेंगे हाइब्रिडाइजेशन में ठीक है तो ये काउंट अब नहीं होगा और ये अगर काउंट नहीं होगा तो क्या आएगा मेरा अगेन फिर से यहाँ पर दो सिग्मा बॉन्ड है और एक लोन पेयर है अगेन दो सिग्मा है प्लस वन लोन पेयर है इसको तो हम काउंट ही नहीं कर रहे ठीक है थीके? रेडिकल को काउंट नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर लोन पेयर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाला है तो ये ज़्यादा रिपल्शन करेगा यहाँ पर इसका रिपल्शन हम कंसिडर नहीं करेंगे ठीक है तो कितना है स्टेरिक नंबर यहाँ पर थ्री आ गया और थ्री के लिए अभी हमने देखा था कितनी एस पी टू होती है जो मेट्री ट्राइगोनल प्लेनर और यहाँ पर लोन पेयर को हटा देंगे तो सिर्फ एंगुलर शेप का आ जाएगा ये ठीक है नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट जो फिफ्थ है यहाँ पर और सिक्स्थ है ठीक है इनको भी हम यहाँ पर फॉर्मले से नहीं करेंगे इनको भी हमें स्ट्रक्चर से करना पड़ेगा ठीक है तो अगर मैं इनकी बात करूं तो इसमें क्या दे रखा मुझे एच फाइव ओ टू प्लस दे रखा है ठीक है इसको हम कैसे बना सकते हैं एक तो मेरा क्या हो सकता है मान लेते हैं ये है मेरे पास स्पीसीज एक ठीक है प्लस और ये बेसिकली एस थी ओ प्लस है अब इसमें अगर मैं एच टू ओ जोड़ दूं तो ये बन जाएगी स्पीशीज तो होता क्या है बेसिकली ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा होता है यहाँ पर कौन ऑक्सीजन तो ये कुछ इस तरह से बनता है ठीक है तो इस तरह से बना तो ऑक्सीजन का आप देखेंगे यहाँ पर तो ऑक्सीजन पर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक दो तीन तीन तो सिग्मा बॉन्ड आ गए और इसमें प्लस चार्ज है और ऑक्सीजन के बैलेंस लेकर सिक्स होते हैं तो यहाँ पर एक लोन पेयर रहा होगा ठीक है तो एक लोन पेयर रहेगा एक लोन पेयर रहेगा ठीक है अगर मैं सिमिलरली वाटर की बात करूँ तो यहाँ पर भी ये एक तरह काइंड ऑफ सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा और एक लोन पेयर रहेगा क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा होगा तो यहाँ पर इन दोनों का स्टेरिक नंबर जो आएगा यहाँ पर वो कितना आएगा फोर आएगा और स्टेरिक नंबर फोर के लिए क्या होता है एस पी थ्री हाइब्रिडाइजेशन हो जाती है ठीक है और टेट्राइल ज्योमेट्री होती है ठीक है तो ये अब आपको अगर मैं बताऊँ तो वाटर की कोई सी भी स्पीशीज अगर आ जाए एस थ्री ओ प्लस हो वाटर हो तो हमेशा हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगी एस पी थ्री ही आएगी भले ही अगर मैं एक और वाटर मॉलिक्यूल इसमें जोड़ दूँ तो मेरा एच सेवन ओ थ्री पॉजिटिव बन जाएगा यहाँ पर भी ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन जो आएगी इसमें हाइब्रिडाइजेशन एस पी थ्री आएगी सिमिलरली अगर मैं क्या करूँ यहाँ पर एक और जोड़ दूँ यहाँ पर एच नाइन ओ फोर प्लस तो इसमें भी हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगी एस पी थ्री ही आएगी ठीक है तो ये हमें ध्यान रखना तो वाटर में कोई भी स्पीशीज आएगी उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी एस पी थ्री हो जाएगी अब ये नेक्स्ट वाला देखते हैं ठीक है नेक्स्ट वाला भी बहुत आसान है ठीक है उसको भी देख लेते हैं हम तो यहाँ पे क्या दे रखा है एन टू एच फोर दे रखा है मुझे एन टू एच फोर दे रखा है ठीक है तो यहाँ पर नाइट्रोजन है दो हैं ठीक है थीके? और यहाँ पर दोनों पे दो दो हाइड्रोजन कुछ इस तरह से यहाँ पर स्ट्रक्चर बन सकता है ठीक है और यहाँ पर इनके पास लोन पेयर भी हैं ठीक है थीके? तो आप देखेंगे सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है नाइट्रोजन दोनों ही इक्वलेंट है तो हाइब्रिडाइजेशन दोनों की ही सेम आएगी ठीक है थीके? तो यहाँ पर भी कितने थ्री सिग्मा प्लस वन लोन पेयर टोटल कितना हो गया फोर आ गया और फोर की क्या होती है एस थ्री होती है ठीक है तो दोनों ही नाइट्रोजन के यहाँ पर एस थ्री हाइब्रिडाइज होंगे तो आप जैसे भी आपको जब कोई डाइमर ट्राइमर ऐसे कुछ मिले तो आप उसका स्ट्रक्चर बना के उसकी हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे बाई कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा एंड लोन पेस ठीक है तो नेक्स्ट क्या है मेरा यहाँ पर ड्रैगो रूल है ठीक है तो बेसिकली क्या होता है कि ड्रैगो रूल हमें ये बताता है कि सारे ही मॉलिक्यूल हमारे हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं कुछ ऐसे भी होते हैं जो हाइब्रिडाइजेशन नहीं करते हैं ठीक है तो वही ये बताता है तो बेसिकली इसको डिस्कस करेंगे तो अगर मैं ड्रैगो रूल की बात करूँ तो ड्रैगो रूल में बेसिकली कौन से आते हैं अगर मेरा कोई सेंट्रल आइटम जो होगा वो क्या हो या तो थर्ड पीरियड का हो ठीक है या तो वो थर्ड पीरियड का हो या उससे ज्यादा और हायर ठीक है क्या हो अगर सेंट्रल आइटम थर्ड पीरियड और हायर और उससे पहले एक क्या है कि ये ग्रुप 15 और 16 के लिए ही है और 16 ठीक है फिफ्टीन ग्रुप और 16 ग्रुप का एलिमेंट अगर होगा सेंट्रल आइटम और अगर वो थर्ड पीरियड या उससे हाइयर पीरियड मतलब फोर्थ फिफ्थ पीरियड का है और तो और अगर सराउंडिंग एटम्स जो हैं ऐसे ऐसे कर रहा हूँ मेरी नोट उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नेगेटिविटी यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नेगेटिविटी का ऐसे मैं इनोड कर रहा हूँ लेस देन टू पॉइंट फाइव है ठीक है तो इस केस में क्या होगा कंपाउंड हाइब्रिडाइजेशन शो नहीं करेगा ठीक है एग्जाम्पल देख लें तो यहाँ पर बेसिकली क्या आते हैं मेरे यहाँ पर अगर मैं किसकी बात करूँ ग्रुप फिफ्टीन की बात करूँ अगर मैं सॉरी यहाँ पे पहले मैं सिक्सटीन देख लेते हैं तो सिक्सटीन में अगर मैं बात करूँ तो जो मेरी आएगी फिफ्टीन देख लेते हैं पहले ठीक है तो फिफ्टीन में क्या आएगा एक तो मेरा थर्ड पीरियड स्टार्ट करेंगे तो पी एस थ्री हो सकता है ठीक है सिमिलरली मेरा ए एस एस थ्री हो सकता है ठीक है फिर मेरा एस बी एस थ्री हो सकता है और फिर मेरा बी आई एस थ्री हो सकता है तो ये सारे ही क्या करेंगे हाइब्रिडाइजेशन शो नहीं करेंगे क्यों नहीं करेंगे फॉस्फोरस है फिफ्टीन ग्रुप का है सेंट्रल एटम थर्ड पीरियड और उससे ज़्यादा का है मतलब थर्ड पीरियड है यहाँ पर ठीक है उससे ज़्यादा वाले भी हैं तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सराउंडिंग आइटम क्या है कम है टू पॉइंट फाइव से ठीक है तो इस केस में हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगी सिमिलरली मेरे किस केस में एच टू एस एच टू एस ई एच टू टी ठीक है तो इन केसेस में भी क्या होगी हाइब्रिडाइजेशन मेरी नहीं होगी ठीक है और अगर मैं इनके बॉन्ड एंगल का अब हाइब्रिडाइजेशन नहीं हो रही तो इनके अगर बॉन्ड एंगल की बात करूं तो बॉन्ड एंगल जो इनके इसमें रहता है बॉन्ड एंगल वो क्या रहता है वो 90 प्लस माइनस 5 डिग्री का रहता है ठीक है मतलब 90 से लेके 95 डिग्री तक इनका एंगल रहेगा ठीक है तो यहाँ पर यह हाइब्रिडाइजेशन शो नहीं करेंगे और बॉन्ड एंगल इनका नाइन्टी टू नाइन्टी ही वेरी करता है वैसी रेंज में रहेगा ठीक है तो ये वाले हाइब्रिडाइजेशन मेरे नहीं करते तो ये था हमारा ड्रैगो रूल ठीक है नेक्स्ट देखते हैं तो नेक्स्ट क्या है मेरा बेंट रूल है ठीक है बेंट रूल भी काफी इंपॉर्टेंट है आपको स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन में काम आएगा आपका कहीं पे बॉन्ड बॉन्डस वगैरह पूछी जाएगी वहां पर भी काम आएगा ठीक है तो बेंट रूल बेसिकली हम दो जोमेट्रीज में देखते हैं एक तो मेरी कौन सी टीबीपी और एक मेरी पीबीपी टीबी पी। मतलब ट्राइगनल बाय पेरामिडल और पीबीपी मतलब पेंटागनल बाय पिरामिडल में हम ज़्यादातर इसको पढ़ते हैं ठीक है इसकी और भी एप्प्लीकेशन है वो भी देखेंगे ठीक है तो होता क्या है बेसिकली इसमें आपको पता ही होगा कि यहाँ पर मान लो लेट्स सपोज उस टी भी जोमेट्री कैसी होती है मेरी सेंट्रल एटम लेट्स से एस सी है और यहाँ पर इसको दूसरे कलर से दिखाते हैं ठीक है लेट्स सपोज सेंट्रल एटम सी है यहाँ पर मेरे ए ए और यहाँ पर मेरे ए ठीक है तो होता क्या है यहाँ पर वन डिग्री का एंगल होता है और ये वाला जो एंगल होता है वो नाइन्टी डिग्री का होता है ठीक है तो यहां पर एंगल कम है यहां पर रिपल्शन ज्यादा होता है ठीक है और हम एक चीज ये भी देखते हैं कि जो हमारा एंगल होता है ठीक है, के भी होता है और हमारा जो होता है, वो होता है, किसके इलेक्ट्रो नेगेटिविटी के ठीक है तो यहां पर क्या होगा बेसिकली मैं ये बोल सकता हूं कि ये जो मेरी एक्सियल बॉन्ड है यहां पर एंगल कम था तो यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम रही होगी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी एक्जीएल वालों की एक्जीएल वालों की क्या होगी कम होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ इक्विटोरियल वालों से ठीक है ये यहां से कंक्लूजन निकाल सकते हैं हम तो बेसिकली होता क्या है यहां पर बेंट रूल क्या बोलता है अब यहां पर बेंट रूल क्या बोलता है कि जो मेरा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम जो होगा वो ऑक्यूपाई करेगा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रो नेगेटिव साइट ठीक है तो बेसिकली ये साइट सिलेक्शन प्रिंसिपल भी यही होता है ठीक है तो बेसिकली क्या होगा जो नेगेटिव कम इलेक्ट्रोनेगेटिव साइट्स हैं उनको मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला करेगा जैसे कि अगर टीवी की बात करूँ तो एक्सेल वाला आ जाएगा ठीक है सिमिलरली अगर मैं पीबी की बात करूँ पीबीपी की तो अगर पी ज्योमेट्री कैसी होती है मेरी पेंटागनल वाई पिरामिडल पेंटागनल वाई पिरामिडल ज्योमेट्री की अगर मैं बात करूंगा तो इसमें कैसे बना सकते हैं यहाँ पर ए, ए। यह क्या हो जाएगा यहाँ पर ठीक है ए और यहाँ पर मेरा पेंटागन कुछ इस तरह से होगा ठीक है इसको थोड़ा सा बड़ा करके दिखा देते हैं ठीक है तो ये कुछ मेरा पेंटागन इस तरह से होता है और ये बाई पिरामिड तो आपको पता है यहाँ पर एंगल कम होता है पेंटागन में सेवेंटी टू डिग्री और यहाँ पर नाइन्टी डिग्री तो इस केस में क्या होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है इक्विटोरियल वालों की वो कम होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एक्सियल वालों से ठीक है तो इसमें उल्टा होता है तो यहाँ पर जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव साइड आएगी मतलब एटम आएगा वो क्या करेगा इक्विटोरियल पोजिशन को ऑक्यूपाई करेगा ठीक है तो यही होता है मेरा बेंट रूल अब कुछ एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं ठीक है तो एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ यहाँ पर किसकी आप देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले तो आप जो ये जनरली पढ़ते हैं एग्जाम्पल वही देखते हैं तो अगर मान लो मेरा पी एफ थ्री सी एल टू है ठीक है तो उसे कैसे करेंगे यहाँ पर फर्स्ट है इसकी टी बी जोमेट्री होती है अब फ्लोरीन क्या है ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है देन क्लोरीन तो फ्लोरीन कहाँ आएगा एक्जियल पोजिशन पर आएगा ठीक है और अब अब क्या हुआ दो एक्जेल हमारे पे एक्जिल पोजिशन दो ही हैं अब एक फ्लोरिन बच गई तो वो इक्विटोरियल पर आ सकती है ठीक है और क्लोरिन तो मेरी इक्विटोरियल पर ही आएगी तो इसका स्ट्रक्चर ये वाला सही होगा ठीक है अब अगर मैं बॉन्ड लेंथ की बात करूँ ठीक है तो आप जनरली क्या पढ़ते हैं जो एक्सियल बॉन्ड लेंथ होती है वो लंबी होती है देन इक्विटोरियल लेकिन अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पर जो पी सी एल इक्विटोरियल वाली बॉन्ड लेंथ आएगी वो ज़्यादा ही आएगी पी एफ एक्जीएल वाले से क्योंकि क्या है क्लोरीन क्या है साइज बड़ा है ठीक है लार्ज साइज लार्ज साइज ठीक है तो यहां पर क्या होगा अब यहां पर क्यों आप बेसिकली वो कब होता है जब मेरे सारे एटम सेम हो तब मेरे एक्जेल वाले जो बॉन्ड होते हैं वो बड़े होते हैं देन इक्विटोरियल लेकिन अगर साइज में डिफरेंस है तो फिर जिसका साइज़ बड़ा होगा वही बड़ा बॉन्ड बनाएगा ठीक है तो यहाँ पर इक्विटोरियल वाले ही बड़े होते हैं क्योंकि यहाँ पर क्लोरीन का साइज ज़्यादा बड़ा है तो ये भी ध्यान रखना है हमें ठीक है एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं इसका ठीक है लेट सपोज मेरे पे पी है सी एफ थ्री होल्टवाइज और सी एच थ्री का होल थ्राइज ठीक है थीके? ये भी है तो यहाँ पर भी आप देखेंगे वही कि अब मेरा क्या है यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा ज़्यादा है सी एच थ्री या सी एफ थ्री तो सी एफ थ्री ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है सी एफ थ्री क्या होता है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो सी एफ थ्री कहाँ आएंगे एक्सएल पे आएंगे और सी एस थ्री कहाँ आएंगे मेरे इक्विटोरियल पे आएंगे ठीक है तो ये भी आपको ध्यान रखना है ठीक है अब इसमें एक चीज़ ये भी होती है अगर लेट सपोज आपको यहाँ पर ग्रुप जो दे रखे हैं आप उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफ्रेंशिएट ना कर पा रहे हो ठीक है मतलब या फिर उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ही क्लोज हो आसपास हो उस टाइम आप सिमेट्री को यहाँ पर प्रेफरेंस देंगे तब आप सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर बनाने को देखेंगे ठीक है तो ये हमारा क्या था बेंट रूल था बेसिकली अब अगर मैं बात करूँ कि इसकी यहाँ पर अब हमारा जो आता मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपने देखा होगा हर एग्ज़ाम में आ रहा है मतलब हर पेपर में आप देखेंगे हर साल आ रहा है चाहे वो जून हो दिसंबर हो कोई सा भी पेपर हो वहाँ पर क्या आता है मेरा वी थ्योरी से आप शेप वगैरह जरूर पूछते हैं वो ठीक है तो वी थ्योरी बोलूँ या वी मॉडल बोलूँ इसको मैं ठीक है तो बेसिकली क्या बताता है ये मैं प्रिडिक्ट करना सिखाता है कुछ स्ट्रक्चर्स ठीक है मॉलिक्यूल्स या एंस की स्ट्रक्चर्स कोम्पिडिक कर पाते हैं इससे तो इसमें होता क्या इसके पॉस्ट की बात करूँ तो यहाँ पर क्या होता है लोन पेयर लोन पेयर रिपल्शन जो होता है वो लोन पेयर बॉन्ड पेयर से ज़्यादा होते हैं और बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर पेयर बॉन्ड पे रिपल्शन जो होते हैं वो बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर से ज़्यादा होते हैं ठीक है अगर मैं बात करूँ पेयर में भी तो अगर मेरा ट्रिपल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है ट्रिपल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड रिपल्शन वो ज़्यादा हुआ किससे मेरे डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड से और देन मेरा सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड रिपल्शन आएगा ठीक है तो क्या हुआ ट्रिपल बॉन्ड होते हैं वहाँ ज़्यादा इलेक्ट्रोडेंसिटी होती है वो ज़्यादा रिपल करते हैं एक दूसरे को तो उस हिसाब से हम बॉन्ड पेयर का रिपल्शन भी देख सकते हैं ठीक है अब इन्हीं को इन रिपल्शंस को ही अपना अकाउंट में लेते हुए वी एस मॉडल क्या बताता है कैसे हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं किसी मॉलिक्यूल की शेप को ठीक है तो वही बताता है हमें अब इसमें केस है अगर मेरे मान लो लेट सपोज ओनली बॉन्ड पेयर हो और कोई भी लोन पेयर ना हो ठीक है तो उस केस में क्या होगा उस केस में मेरी जो ज्योमेट्री आएगी ज्योमेट्री हमने हाइब्रिडाइजेशन से फाइंड करी थी तो ज्योमेट्री जो आएगी वो इक्वल टू शेप आ जाएगी ठीक है शेप आ जाएगी और इस केस में जो मेरा आइडियल एंगल होगा वही फॉलो होगा आइडियल एंगल रहेगा डेविएशन देखने को नहीं मिलेगी ठीक है आइडियल एंगल रहेगा लेकिन जैसे ही लोन पेयर आया लोन पेयर आया तो रिपल्शन बढ़े और जैसे रिपल्शन बढ़ेंगे वहाँ पर मुझे क्या बनेगा ज्योमेट्री तो होगी ज्योमेट्री जो, जो होगी हो हो वो अब शेप के बराबर नहीं होगी ठीक है नॉट इक्वल टू शेप और जो मेरा एंगल होगा उसमें भी डेविएशन देखने को मिलेगी एंगल क्या करेगा डेविएट कर जाएगा ठीक है एंगल भी क्या हो जाएगा डेविएट कर जाएगा आप ठीक है जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं टेट्रा हेडल सी फोर की बात करूँ तो सी एच फोर टेट्रा हेडल होता है टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल क्या होता है वन जीरो नाइन पॉइंट फाइव होता है ठीक है लेकिन उसमें क्या है उसमें सारे बॉन्ड पेयर लोन पेयर नहीं है तो आइडियल एंगल है अपना और अगर मैं वहीं पे क्या ले लूँ एन एस थ्री ले लेता हूँ एन एस थ्री में एक लोन पेयर है तीन बॉन्ड पेयर है स्टेक नंबर अभी भी चार आएगा हाइब्रिडाइजेशन एस भी थ्री आएगी और अभी भी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी लेकिन शेप क्या होती है उसकी पिरामिडल तो शेप नहीं आई इक्वल क्योंकि क्यों लोन क्यों पेयर आ गया ठीक है और एंगल भी क्या होता है कम हो जाता है वन जीरो नाइन से समथिंग ठीक है तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है तो इसी को अकाउंट में लेते हुए अब हम क्या करेंगे कैसे हम शेप को फाइंड करें वी एस सी पी आर थ्योरी से तो इसके लिए आपको करना क्या है सबसे पहले आपको क्या करना है आपको मॉलिक्यूल मिला ठीक है आपको पता होना चाहिए सेंट्रल आइटम कौन सा है जो मैंने अभी बताया जैसे ठीक है आप सबसे पहले क्या करेंगे इसका स्टेरिक नंबर फाइंड करेंगे ठीक है स्टेरिक नंबर को फाइंड करेंगे स्टेरिक नंबर वैसे ही फाइंड करेंगे जैसे मैंने बताया था सल्फर है यहाँ पर वन बाई टू करेंगे सल्फ़र है वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं छः होते हैं प्लस फोर यहाँ पर कितने मोनोवेलेंट एटम अटैचड है और यहाँ पर कोई भी कैटाइन और एनैनिक चार्ज नहीं है तो यहाँ पर से स्टेरिक नंबर कितना आ गया मेरा फाइव आ गया स्टेरिक नंबर आ गया आपको हाइब्रिडाइजेशन प्रोबेबल हाइब्रिडाइजेशन पता चल जाएगी इससे ठीक है उसके बाद आपको जोमेट्री पता चल जाएगी अब क्या होगा अब फाइव आ गया स्टेरिक नंबर आपको पता फाइव पे क्या सी जोमेट्री होती है टी होती है और स्क्वायर पिरामीटर होते हैं लेकिन जो वी एस सी प्यार्थी उसे आता है कि टी पी पी में मेरे कम रिपल्शन होता तो है टी वी पी ज़्यादा फेवरेबल होती है पाँच शरीक नंबर के लिए ठीक है तो टी बी पी जोमेट्री लगाएंगे अगर टी वी पी और पी वी पी जोमेट्री आती है तो आप सीधा बैंड रूल लगा के अपना आंसर निकाल सकते हैं ठीक है थीके? देखो अब मैं कैसे निकालूंगा आप मुझे यहाँ पर वो लोन पे रिपल्शन कहाँ पर ज़्यादा होंगे कम करने की वो ज़रूरत नहीं है सीधा टी वी पी जोमेट्री आई तो मैं कैसे निकालूंगा सल्फर है मेरे पास और फ्लोरिन और फ्लोरिन क्या होती है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव तो कहाँ जाएंगी एक्जिल पर जाएंगी और दो जो बचेंगी वो इक्विटोरियलियलियल में पहुंच चली जाएंगी और एक मेरा लोन पेर आ जाएगा ठीक है और यही सबसे स्टेबल स्ट्रक्चर होती है तो अगर ज्योमेट्री की बात करूँ तो टी वी पे आ गई लेकिन अगर मैं शेप की बात करूँ इसकी तो शेप अब लोन पेर आ गया तो शेप इज़ नॉट इक्वल टू ज्योमेट्री तो यहाँ पर कैसा है अगर मैं इसको छुपा दूँ तो कैसा दिखेगा एक सी सो शेप का दिखेगा सी सौ शेप का आपको दिख जाएगा ठीक है तो इसकी शेप कैसी आती है सी सो शेप आती है ठीक है अब अगर मैं नेक्स्ट एग्जांपल देखूं आई एफ फाइव टू नेगेटिव देखा है सिमिलर भाई वैसे ही करेंगे इसको हम ठीक है तो इसको कैसे करेंगे यहाँ पर कितना है सात प्लस पाँच प्लस टू शरीर नंबर डिवाइड बाई टू करेंगे तो कितना आया ये सेवन आ गया सेवन मतलब पेंटागनल बाय पिरामिडल अगेन बेंड रोल अप्लाई कर दो बेंड रोल अप्लाई करोगे बेंड रोल अप्लाई करेंगे तो कैसे अप्लाई करेंगे आयोडीन रहेगा मेरे पास ठीक है अब आयोडीन आ गया अब पेंटागनल बाई मैंने क्या बताया जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आएगा वो एटम आएगा वो किस पे इक्विटोरियल पोजीशंस पे आएगा तो लगा देते हैं इक्विटोरियल पोजीशन पे एफ 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 एंड एफ ठीक है इसको ठीक है ये क्या बन गया मेरा पेंटागन बन गया ठीक है अब जो दो लोन पेयर बचेंगे इसके पास वो कहाँ जाएंगे एक्सियल पोजिशन पे चले जाएंगे ठीक है तो दो लोन पेयर मैं शेप में नहीं दिखा रहा यहाँ पर टू माइनस चार्ज है इसके ऊपर ठीक है तो ये क्या आएगा एक पेंटागनल पेंटागोनल प्लेनर शेप का आएगा ठीक है जैसे कि मेरा एक्जी एफ फाइव नेगेटिव भी होता है ठीक है तो ये एग्जाम में काफी बार पूछा हुआ भी है एक्स एफ फाइव माइनस जो होता है उसकी जो शेप होती है वो भी पेंटागनल र ही होती है ठीक है तो ये एक अलग एग्जाम्पल है आई एफ फाइव टू नेगेटिव ठीक है नेक्स्ट अगर देखें हम यहाँ पर क्या है एस एन फोर क्या है एस एन फोर एम ई टू और टू माइनस है ठीक है तो यहाँ पर क्या है? ये अलग थोड़ा एग्जाम्पल है यहाँ पर एस एन क्या एस एन किस में आता है मेरा कार्बन वाली फैमिली में आता है तो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हुए फोर हुए चार यहाँ पर फ्लोरीन देगा और एम ई है अब एम ई है वो भी क्या होता है एम ई क्या होता है सी ग्रुप होता है मतलब एक वैलेंसी उसकी कंप्लीट नहीं है तो वो भी क्या होगा मोनो ही होगा तो यहाँ पर प्लस टू और कर दो एम ई का और प्लस टू यहाँ पर चार्ज कर दो डिवाइड बाय इसको टू कर दो तो कितना आएगा एट प्लस टू ट्वेल्व प्लस एट प्लस टू टेन प्लस टू ट्वेल्व डिवाइड बाई टू इज इक्वल टू सिक्स आ गया नंबर सिक्स आता है तो क्या होती है ज्योमेट्री मेरी क्या होती है ऑक्टा होती है अब यहाँ पर लेकिन क्या होगा ऑक्टा है अब यहाँ पर कोई लोन पेयर भी नहीं है लोन पेयर अगर नहीं है क्योंकि छः बॉन्ड बना रहा है छक्टा में क्या होता है छः शरीर नंबर ही आता है तो अगर लोन पेयर नहीं है तो परफेक्ट ऑक्टा होना चाहिए था यहाँ पर शेप भी लेकिन क्या यहाँ पर सारे आइटम्स सेम नहीं है एम ही है तो यहाँ पर थोड़ा सा डिस्टोर्शन देखने को मिलेगा अगर ऑप्शन में आपको ऑक्टा हेडल सिर्फ दिया हुआ तो आप सीधा ऑक्टा मार्क करके आएंगे लेकिन अगर आपको डिस्टॉर्टेड ऑक्टा दे रखा है तो आप वहाँ पर डिस्टॉर्टेड ऑक्टा शेप लिखेंगे इसकी ठीक है क्योंकि यहाँ पर सारे आइटम जो है सराउंडिंग आइटम सेम नहीं है इसका हो गया अब इसकी बात करते हैं हम टी एफ टू टी एफ एट टू नेगेटिव ठीक है टी एफ एट टू नेगेटिव ठीक है इसको बनाते हैं तो यहाँ पर क्या है टी ए तो ये किसके मेरे ऑक्सीजन वाले ग्रुप से आता है तो इसके कितने होते हैं सिक्स प्लस यहाँ पर कितने एट मेरे मोनोवेलेंट आइटम हो गए और प्लस टू करूँगा यहाँ पर किसके मेरा जो चार्ज है इसको डिवाइड बाई टू कर देते हैं तो कितना आएगा एट प्लस सिक्स फोर्टीन प्लस टू सिक्सटीन डिवाइड बाई टू इज इक्वल टू एट आ जाएगा ठीक है अब एट आ गया शेरिक नंबर तो एट के लिए क्या होती है मेरी sp3 d4 थ्री डी फोर होती है हाइब्रिडाइजेशन और अभी मैंने बताया था इसके लिए ज्योमेट्री कौन सी होती है मेरी स्क्वेर, स्क्वेर, एंटी प्रिज्म

और एंटी प्रिज्म मतलब कि अब जो नीचे वाला स्क्वायर आएगा वो कुछ इस तरह से होगा ठीक है यहाँ पर भी फ्लोरिन ठीक है तो ये इन सब से ऐसे जुड़ा हुआ होगा ठीक है तो कुछ इस तरह से मेरा क्या बनता है स्क्वायर एंटी प्रिज्म का स्ट्रक्चर बन जाता है ठीक है इस पर टू नेगेटिव चार्ज था ओवरऑल तो टू माइनस डाल देते ठीक है थीके? कुछ इस तरह से बन जाएगा अब अगर मैं नेक्स्ट की बात करूँ नेक्स्ट थोड़ा सा क्या है अब ए एस पी एच फाइव है ठीक तो है तो आर्सनिक है आर्सनिक का कितना होता है फाइव होता है ठीक है कौन सा एग्जाम्पल कर रहे हैं हम फिफ्थ एग्जाम्पल कर रहे हैं ठीक है आर्सनिक कितने फाइव होते हैं नाइट्रोजन वाले ग्रुप में आता है पी एच अब पी एच भी सेम वही फिनाइल ग्रुप है मेरा मोनोवेलेंट की तरह एक करेगा तो कितना आ जाएगा मेरा यहाँ पर पाँच पी एच से आ जाएंगे कोई चार्ज नहीं डिवाइड बाई टू करेंगे तो स्टेट नंबर अगेन फाइव आ गया फाइव के अलावा हमने देखा था टी बी पी जो होती है लोन पेयर नहीं है तो शेप भी टी बी पी ही आएगी ठीक है ये तो टी पी होता है लेकिन अगर मैं बात करूँ किसकी एस बी पी एच फाइव की ठीक है एस बी पी एच फाइव ठीक है इंपॉर्टेंट है ये अब एस बी पी एच फाइव की बात करूँ या फिर बी आई पी एच फाइव की बात करूँ इन दोनों की बात करूँ ठीक है इसमें भी सेम यही आएगा हम अगर वी एस से निकालेंगे सेम पाँच टेरिक नंबर आएगा टी वी पी आने चाहिए लेकिन ये टी भी नहीं होते क्या होते हैं ये स्क्वायर पिरामिडल होते हैं ठीक है यहाँ पर स्क्वायर पिरामिडल एजेंजमेंट में ये प्रेजेंट होते हैं ये आपको ध्यान रखना है इसकी ज्योमेट्री मतलब शेप जो होती है वो स्क्वायर पिरामिडल होती है ना कि ट्राइगोनल बाय पिरामिडल में ठीक है तो स्टेक नंबर पाँच आया तो दो पॉसिबिलिटी होती हैं तो सम टाइम क्या होती है स्क्वायर पिरामिडल वाली ही ज़्यादा स्टेबल हो जाती है ठीक है तो वहाँ पर वी एस सी पी आर थ्री थोड़ा सा फेल सी हो जाती है ठीक है तो यहां पर हम क्या बोलेंगे ये स्क्वायर पिरामिडल है अब अगर हम बात करूं इसकी इस वाले की बात करो तो इसमें आप निकालेंगे तो इसमें भी निकाल लेते हैं हम नेक्स्ट क्या है मेरा इंडियम सी एल फाइव टू नेगेटिव ठीक है तो इंडियम है इंडियम कौन से ग्रुप में आता है मेरा ग्रुप थर्टीन में आता है ठीक है तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने थ्री प्लस पाँच यहाँ पर क्लोरीन आ गई प्लस टू ठीक है तो ये क्या करेंगे आप तो यहाँ पर डिवाइड बाई टू करेंगे तो यहाँ पर भी स्टेरिक नंबर कितना जाएगा? 5 आ जाएगा फाइव आ जाएगा अगेन टी करोगे आप लेकिन ये भी क्या होता है स्क्वायर पिरामिडल ही होता है ठीक है तो ये भी आपको ध्यान रखना है आई सॉरी आई एन इंडियम सी एल फाइव टू नेगेटिव वाला जो आयन होता है वो भी स्क्वायर पिरामिडल होता है ठीक है इसकी बात करूं अगर मैं नेक्स्ट वाले की एक् ओ टी एफ फाइव फोर ठीक है इसका आप निकाल सकते हो इसका आप कैसे निकालोगे ठीक है क्या है मेरे पास एग्जी ओ टी एफ फाइव ठीक है ये है मेरे पास इसका होल फोर है अब जेनोन का आपको पता सेंट्रल आइटम जेनोन है मेरा यहां पे एट प्लस अब इसको देखो आप ऑक्सीजन है पहले से उसने टी से बॉन्ड बना रखा है तो एक वैलेंसी उसकी खाली रहेगी तो यहाँ पर भी वो क्या करेगा मोनो वैलेंट की तरह ही काम करेगा तो फोर डिवाइड बाई टू इज़ इक्वल टू सिक्स तो जोमेट्री क्या आ गई ऑक्टाहाड्रल लेकिन यहाँ पर तो चार ही सिग्मा मतलब बॉन्ड बन रहे हैं तो चार बॉन्ड बन रहे हैं मतलब यहाँ पर दो लोन पेयर होंगे इसके पास ठीक है तो दो लोन पेयर बेसिकली ये एक्जी एफ फोर की तरह ही बनेगा तो एक् होगा और यहाँ पर ये ओ टी एफ फाइव वाले ग्रुप लगे हुए होंगे ठीक है ओ टी एफ फाइव ठीक है और यहाँ पर दो लोन पे इस तरह से ठीक है और ये कैसी ज्योमेट्री है मेरी बेसिकली स्क्वायर मतलब ज्योमेट्री तो मेरी ऑक्ट्राइड होगी लेकिन शेप कैसी आएगी इसकी स्क्वायर प्लेनर आएगी ठीक है स्क्वायर प्लेनर शेप का आएगा ये जैसे मेरा एक्स एफ फोर होता है ठीक है नेक्स्ट वाला है ये आप क्या है आपका ये आपका होमवर्क है ठीक है जो नेक्स्ट वाला है बेसिकली वो है आपका होमवर्क तो एस एफ फाइव नेगेटिव का आप खुद से निकालेंगे और इसकी शेप क्या करेंगे आप कमेंट में बताएंगे ठीक है नेक्स्ट चलते हैं तो नेक्स्ट में बेसिकली अब बी एस सी देखा अभी हमने पिछले प्रियस स्लाइड में भी देखा तो कुछ एक्सेप्शन हमें मिली थी ठीक है कि हम वी एस पी से नहीं प्रिडिक्ट कर पा रहे थे सिमिलरली अब लिमिटेशंस की बात करें तो लिमिटेशंस में इसका एक जो टॉपिक है वो क्या आता है मेरा कि जो लोन पेयर है वो एक्टिव लोन पेयर है या नॉन एक्टिव लोन पेयर है तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है क्या स्टीरियो केमिकली स्टीरियो केमिकली एक्टिव और ठीक है एक्टिव होगा तो पार्टिसिपेट करेगा में, और इनएक्टिव होगा तो पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो लिमिटेशन में आपके सामने मैंने यहाँ पर ये कुछ एग्जांपल्स लिख दिए हैं अगर आप इनको देखेंगे तो अगर मैं टी एक्स की बात करूँ तो इसका आप अगर निकालेंगे हाइब्रिडाइजेशन तो बेसिकली क्या आएगी यहाँ पर 6, 12 डिवाइड और प्लस यहाँ पर टू तो कितना आएगा डिवाइड बाई टू करेंगे तो कितना आएगा सेवन सेरिक नंबर आएगा तो सेवन सेरिक नंबर से आने से क्या होना चाहिए था यहाँ पर पी बी पी जोमेट्री आनी चाहिए थी और हाइब्रिडाइजेशन क्या आनी चाहिए थी एस पी थ्री डी थ्री आनी चाहिए थी और शेप क्या होनी चाहिए थी थोड़ी डिस्टॉर्टेड पेंटागनल बाई पिरामिडल होनी चाहिए थी ठीक है लेकिन ऐसा होता नहीं है ठीक है होता नहीं है ये क्या होते हैं ये परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल होते हैं परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल होते हैं ये सारे के सारे ठीक है होता क्या है यहां पर ये जो एस है वो पार्टिसिपेट नहीं करता तो वो लोन पेयर जो होते हैं वो वह इस, स्टीरियोकेमिकली इनएक्टिव होते हैं और इसकी हाइब्रिडाइजेशन जो आती है वो पी थ्री डी थ्री ही आती है ठीक है जैसा जैसे भी हमने देखा पी थ्री डी थ्री का वहां पे हमने बताया कि हाइब्रिडाइजेशन पी थ्री डी थ्री भी हो सकती है उसमें परफेक्ट ऑक्टा हेडल मेरी जोमेट्री या शेप शेप होती है ठीक है तो वो कुछ एग्जाम्पल अगर बी आर के साथ मेरा एफ सिक्स हो माइनस हो ये भी ऐसे ही होगा बी आर सी एल सिक्स माइनस हो ठीक है ऐसी एस बी एफ सिक्स थ्री माइनस हो या एस बी सी एल सिक्स थ्री माइनस हो सी एल एफ सिक्स माइनस भी क्या होता है परफेक्ट ऑक्टा हेड होता है वहाँ पर भी क्या होता है स्टीडियोकेमिकली इन एक्टिव होता है लोन पेयर ठीक है तो अगर मैं बात करूँ इसके रूल की तो अगर आपके पास कोई स्टेरिक नंबर एक तो क्या आना चाहिए अगर स्टेरिक नंबर जो है वो क्या हो ग्रेटर और इक्वल हो सेवन के ठीक है और जो मेरा सेंट्रल एटम है वो क्या हो फोर्थ पीरियड का या फिर उससे ज़्यादा और ठीक है और मेरे सराउंडिंग आइटम जो हूं वो क्या हूं लार्ज हूं तो उस केस में क्या देखने को मिलता है जो लोन पेर होगा वो स्टीरोमिकली केमिकली इनएक्टिव ही आता है ज्यादातर केसेस में ठीक है कुछ एक्सेप्शन सराउंडिंग आइटम फ्लोरीन होता है तो भी यहाँ पर इनएक्टिव होता है ठीक है ये वाला एग्जाम्पल आप देखेंगे एक्सी एफ एट टू माइनस तो आप जब इसमें स्टेरिक नंबर निकालेंगे तो आपके पास नाइन आएगा ठीक है क्या आएगा यहाँ पर ये ऑक्टा भी नहीं होगा यहाँ पर स्टेरिक नंबर आप निकालेंगे कितना एट प्लस एट प्लस टू डिवाइड बाई टू करेंगे तो कितना आ जाएगा नाइन आ जाएगा और स्टेरिक नंबर नाइन के लिए मैंने बताया क्या थी हाइब्रिडाइजेशन sp3 d5 हुआ करती थी लेकिन होगा क्या यहाँ पर यहाँ पर भी एस क्या होगा वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा ठीक है तो सिर्फ पी थ्री डी फाइव आएगी और इसका जो पी थ्री डी फाइव आ गई तो यहाँ पर क्या हो गया अब आठ वाला हो गया ठीक है एट आ गया शेरिक नंबर एक तरह से तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे इसको स्क्वायर एंटी प्रिज्म ही होगा ये स्क्वायर एंटी प्रिज्म स्ट्रक्चर का ही होगा ठीक है ये भी कैसा होगा स्क्वायर एंटी प्रिज्म होगा ठीक है तो ये हमें ध्यान रखना है कि कब का होता है ये क्या है? होती है लिमिटेशन होती हैं तो यहाँ पर क्या होता है स्टेडियो केमिकली इनएक्टिव लोन पेयर आ जाते हैं ठीक है किसी किसी में एक्टिव रहेंगे तो पार्टिसिपेट करते हैं ठीक है और किसी किसी में नहीं करते ठीक है एक स्पेशल केस है बेसिकली एक केस और है यहाँ पर जैसे कि मेरा एग एफ सिक्स ठीक है एग एफ सिक्स अब एक्जी एफ सिक्स की अगर मैं बात करूँ तो इसका अगर मैं निकालूंगा स्टेट नंबर तो एट प्लस सिक्स डिवाइड बाई टू तो कितना आ गया सेवन आ गया स्टेड नंबर तो इसमें भी पेंटांगल बाई पिरामिडल होनी चाहिए थी ज्योमेट्री लेकिन अब इसमें भी पर ये होती कैसे है ऑक्टाइड लेकिन कैसा डिस्टॉर्टेड ऑक्टाइडल तो ये इसलिए स्पेशल है कि यहाँ पर ना तो वो मॉडल फॉलो हो रहा है ना तो वी एस सी थोड़ा सा ठीक है तो यहाँ पर होना तो चाहिए था पेंटागल बाई पिरामिडल में और एक लोन पेयर होना चाहिए था तो वहाँ से डिस्टॉर्ट बट बेसिकली क्या होता है यहाँ का जो इसका जो लोन पेयर होता है वो एक्टिव ही होता है एक्टिव होगा और जो शेप आएगी इसकी शेप जो आएगी वो क्या आएगी डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल आएगी ठीक है लेकिन वी एस से हम इसको नहीं बता सकते ठीक है कैसी आएगी डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल ही आएगी शेप इसकी ठीक है क्या होता है मतलब बेसिकली थोड़ा सा लोन पेयर जो होगा वो डिस्टोर्शन करता है तो इसलिए इसमें जो लोन पेयर होता है वो स्टीरियोकेमिकली एक्टिव होता है ना कि इनएक्टिव होता है ठीक है तो ये ध्यान रखना है एक्जी में ये गैस फेज की बात है ठीक है सॉलिड में तो ये कैसे एग्जिस्ट करता है मेरा सॉलिड फॉर्म में अगर मैं बात करूँ एक्जी एफ सिक्स की सॉलिड फॉर्म की तो सॉलिड में बेसिकली कैसे करता है ये एक्जी एफ फाइफ प्लस और एफ माइनस ठीक है ऐसी यूनिट्स होती हैं इसमें सॉलिड में ठीक है यही रिपीट होती हैं और सॉलिड स्ट्रक्चर इसका बन जाता है ठीक है गैस फेज में ये कुछ इस तरह का यहाँ पर डिस्टॉर्टेड ऑक्टा शेप देखता है तो एक्जी एफ सिक्स जैसे दिखे आपको तो आपको वी एस सी पी आर थ्योरी नहीं यूज़ करनी है डिस्टॉर्टेड हेडल इसकी शेप बतानी है ठीक है ठीक है तो नेक्स्ट क्या है हमारा नेक्स्ट देखते हैं तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा बॉन्ड एंगल ठीक है तो हम बॉन्ड एंगल हमें थोड़ा शेप का आइडिया हो गया तो हम बॉन्ड एंगल भी निकाल सकते हैं ठीक है तो बॉन्ड एंगल अगर मैं बताऊँ आपको तो इसके लिए अगर मैं पहले एक सिंपल लेट सपोज मेरा कोई लोन पेयर है यहाँ पर ठीक है और ये ऐसे कुछ एटम जुड़ा हुआ तो अगर क्या हो जो सेंट्रल एटम है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो ज़्यादा हो तो क्या होंगे जो बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन होंगे उसके पास ज़्यादा होंगे ठीक है इसको दूसरे कलर से दिखाते हैं बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन उसके पास ज़्यादा होंगे ठीक है तो इस केस में क्या होगा जब यहाँ पर ऐसा होगा जब सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रॉनिकटी ज़्यादा होगी तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन उसके पास होंगे तो यहाँ पर रिपल्शन ज़्यादा होगा ठीक है क्या होगा रिपल्शन पास पास आ गए लोन पे मतलब बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स तो यहाँ पर क्या होगा रिपल्शन ज़्यादा होगा तो बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा ठीक है सिमिलरली अगर सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी तो क्या होगा यहाँ पर दूर दूर होंगे तो यहाँ पर रिपल्शन कम होगा लेस रिपल्शन लेस रिपल्शन होगा तो यहाँ पर बॉन्ड एंगल क्या आएगा कम आएगा ठीक है तो ये आपको ध्यान रखना है ठीक है तो और इसको एक चीज़ से और समझ सकते हैं यहाँ पर क्या ये पास पास लोन पेयर हैं तो इसको अगर ये लोन पेयर दबाएगा तो इनको कम दबा पाएगा तो बॉन्ड एंगल ज़्यादा रहेगा और यहाँ पर ये यह दूर दूर है तो इनको ज़्यादा क्या कर सकता है अंदर पुश कर सकता है ज़्यादा दबा सकता है तो यहाँ पर बॉन्ड एंगल कम आएगा ठीक है तो इसके लिए कुछ दो रूल दिखा दीजिए इन जनरल रूल से आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे ठीक है फ़र्स्ट रूल क्या बोलता है यहाँ पर इफ़ सेंट्रल आइटम से इलेक्ट्रो नेगेटिविटी क्या हो डिक्रीज़ कर रही हो या फिर साइज़ क्या कर रहा हो इंक्रीज़ कर रहा हो सेंट्रल आइटम की इलेक्ट्रो नेगेटिविटी डिक्रीज़ कर रही हो और या फिर साइज़ क्या हो इंक्रीज़ कर रहा हो तो उस केस में जो मेरा एंगल होता है वो डिक्रीज़ करता है ठीक है जैसे बताया भी मैंने अगर इलेक्ट्रॉनिगिटी जैसे जैसे क्या हो जाएगी कम होती जाएगी ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं वो शिफ्ट होते जाएंगे और वहाँ पर रिपल्शन क्या होगा कम होता जाएगा तो मेरा एंगल क्या होगा डिक्रीज़ करता जाएगा ठीक है सेकेंड रूल क्या है तो पहले फर्स्ट रूल अप्लाई करना है देन सेकेंड पे आना है ठीक है इनको बारी बारी से सेकेंड रूल क्या है कि सराउंडिंग आइटम की अगर इलेक्ट्रॉनिगिटिविटी डिक्रीज़ कर रही हो या साइज़ इंक्रीज़ कर रहा हो उस केस में ठीटा क्या करेगा इंक्रीज़ करेगा एंगल क्या करेगा इंक्रीज़ करेगा, करेगा? करेगा ठीक है तो ये दोनों रूल करेंगे और इससे अपने सारे क्वेश्चन हो जाएंगे ठीक है अब देखते हैं अब अगर इसकी बात करूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे सराउंडिंग आइटम सेम है सेंट्रल आइटम तो यहाँ से अगर मैं इधर जाऊँगा तो जो मेरा सराउंड सेंट्रल आइटम है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो हो रही है वो डिक्रीज़ कर रही है ठीक है कम होती है दैनसिनियम तो यहाँ पर क्या होगा बॉन्ड एंगल भी क्या होगा बॉन्ड एंगल होगा वो भी डिक्रीज करेगा तो ऑर्डर क्या होगा सबसे ज़्यादा इसमें देन इसमें देन इसमें ठीक है ये ऑर्डर हो जाएगा नेक्स्ट वाले देख लेते हैं नेक्स्ट वाला देखते हैं ठीक है वो थोड़ा सा एग्जाम्पल अच्छा है इसमें अगर देखेंगे तो सेंट्रल एटम सराउंडिंग एटम तो सराउंडिंग एटम के अगर अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अकॉर्डिंग तो मेरा जो फ्लोरीन है सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है देन मेरा क्लोरीन आता है देन मेरा हाइड्रोजन आता है ठीक है तो अगर इसके बेसिस पे अगर आप जाओगे तो आप क्या करोगे सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर डिक्रीज करिए तो एंगल सबसे ज़्यादा एन में आना चाहिए था लेकिन ऐसा होता नहीं है ठीक है तो यहाँ पर वो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी का रूल थोड़ा सा वो हो जाता है यहाँ पर एक नया कंसेप्ट आता है वो एन बी ई पी आर का नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन का तो जहाँ पर जब क्या हो सराउंडिंग एटम बल्कि हो जाए जब क्या हो सराउंडिंग एटम जो हों वो मेरे क्या आ जाए बल्की आ जाए उस केस में आपको क्या देखना है एन बी ई पी आर मतलब नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन अब क्या होगा यहाँ पर यहाँ पर क्लोरीन आ गया ठीक है अब क्लोरीन का क्या होता है साइज बड़ा होता है और उस पर से इसके पास इलेक्ट्रॉन भी है तो आप क्या करेगा लोन पेर इनको कम दबाएगा ठीक है ये कम दबाएगा ये ज़्यादा एक दूसरे को अपना रिपल करेंगे यहाँ पर ठीक है यहाँ पर रिपल्शन ज़्यादा होगा जिसकी वजह से एंगल क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा ठीक है तो ऑर्डर क्या होगा एन एफ थ्री का तो कम आएगा ठीक है देन मेरा एन थ्री आएगा और देन मेरा क्या आएगा एन सी एल थ्री आएगा ठीक है ये हो जाएगा मेरा क्या बॉन्ड एंगल का ऑर्डर नेक्स्ट वाला देखते हैं तो यहां पे क्या एस टू एस दे रखा to to Si2. है एस सी एल टू एस बी आर टू एस आई टू अगेन वही है सी एल है बी आर आ गया आई आ गया तो क्या करना चाहिए यहां पर मेरा एंगल क्या करना चाहिए इंक्रीज करना चाहिए बेसिकली क्योंकि जितना ज्यादा बड़ा बल्कि ग्रुप होगा उतना ज्यादा वहां पर रिपल्सन ज्यादा होगा और एंगल का ऑर्डर यही आ जाएगा एक तो यहां पर ऐसे ही आ गया लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं ठीक है तो ये तो मेरा क्या है ड्रैगो है ड्रैगो है ड्रैगो कंपाउंड है कि नहीं है अभी बताया था मैंने ठीक है तो ये तो ड्रैगो कंपाउंड आ गया अब ड्रैगो कंपाउंड आ गया तो इसका बॉन्ड एंगल तो कम ही होगा इसका क्योंकि नाइन्टी नाइन्टी फाइव होता है वो तो बेसिकली टेट्राहेड्रल एनवायरनमेंट में होंगे तो वहाँ पर बॉन्ड एंगल हंड्रेड हंड्रेड टेन इस तरह से होगा ठीक है बट यहाँ पर क्या आएगा ड्रैगो तो इनका बॉन्ड एंगल नाइन्टी तो आपको सबसे पहले बॉन्ड एंगल का ऑर्डर जब भी करेंगे तो आपको पहले ये चेक करना है कोई ड्रैगो कंपाउंड तो नहीं अगर ड्रैगो कंपाउंड है तो सबसे पीछे रखेंगे ठीक है सबसे कम उसका बॉन्ड एंगल आएगा तो ये आपको ध्यान रखना है बॉन्ड एंगल में नेक्स्ट अगर बात करूं मैं तो नेक्स्ट क्या है मेरा बैक बॉन्डिंग का टॉपिक ठीक है तो बैक बॉन्डिंग बेसिकली यहाँ पर मैंने पहले बता दिया कि ए मेरा सेंट्रल आइटम है और बी मेरा सराउंडिंग आइटम है ठीक है तो उस केस में अगर मैं बैक बॉन्डिंग बैक बैक बॉन्डिंग होती क्या है पहले देखते हैं ठीक है लेट सपोज मेरा ए है सेंट्रल आइटम और बी है मेरा सराउंडिंग आइटम ठीक है इसके पास क्या है मेरे फील्ड ऑर्बिटल है फील्ड ऑर्बिटल और इसके पास क्या है मेरे ऑर्बिटल ऐसे दिखा देते तो हम क्या बोलते हैं है इलेक्ट्रॉन इसको इसको बोल में। में। तो जाएंगे ठीक है तो प्री एग्जिस्टिंग सिग्मा होगा यहां पर बेसिकली बैक डोनेशन हो रहे हो किससे होमो ऑफ फील्ड ऑर्बिटल टू लूमो ऑफ एमपिटी ऑर्बिटल में जिसकी वजह से यहां पर एक पाई बैक बॉन्डिंग बोला जाता है क्या बोला जाता है पाई बैक बॉन्डिंग ठीक है तो फर्स्ट कंडीशन तो यही हो गई कि हमारे पास जो सेंड जो डोनेट डोनेट करने वाला उसके पास सफिशेंट मतलब एक अच्छी एनर्जी के क्या होने चाहिए मेरे इलेक्ट्रॉन होने चाहिए देने के लिए और उसके पास कोई सुटेबल एनर्जी का ऑर्बिटल खाली होना चाहिए जो लेने के लिए हो ठीक है तो उसके लिए कंडीशन क्या क्या हैं और एक तो ऑर्बिटल खाली होना चाहिए ठीक है ऊपर से ए एंड बी क्या होने चाहिए या तो दोनों ही सेकेंड पीरियड के हों या तो कोई एक उनमें सेकेंड पीरियड का जरूर होना चाहिए ठीक है तभी मेरी बैक बॉन्डिंग पॉसिबल है जैसे कि अगर मैं बात करूं तो मेरी जैसे यहाँ पर पी सी एल फाइव है या पी सी एल थ्री है तो यहाँ पर पी के पास डी ऑर्बिटल अवेलेबल है और सी एल के पास क्या है लोन पेयर्स हैं लेकिन फिर भी यहाँ पर बैक बॉन्डिंग देखने को नहीं मिलेगी क्योंकि यहाँ पर दोनों के आगे थर्ड पीरियड के आगे ठीक है थीके? तो एटलीस्ट एक सेकेंड पीरियड का मुझे चाहिए चाहिए ठीक है उसके बाद क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो होना चाहिए वो थोड़ा होना चाहिए ठीक है जैसे कि मान लो मैं एन सी एल थ्री में एन सी एल थ्री है मेरा अब अगर मैं एन सी एल थ्री की बात करूं तो यहाँ पर क्या हो रहा है यहाँ पर नाइट्रोजन है उसके पास क्या है वेकेंट ऑर्बिटल है और क्लोरीन पे क्या है मेरे लोन पेयर्स हैं तो यहाँ पर क्या होती है डोनेशन हो सकती है ठीक है बट तो यहाँ पर भी नहीं होती है क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है ठीक है नाइट्रोजन का कितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वही थ्री के आसपास और क्लोरीन की भी सेम ही होती है ऑलमोस्ट ठीक है तो यहाँ पर भी बैक बॉन्डिंग देखने को नहीं मिलती सॉरी यहाँ पर उल्टा बोल दिया मैंने नाइट्रोजन नहीं यहाँ पर नाइट्रोजन के पास लोन पेयर और क्लोरीन के पास वेकेंट डी ऑर्बिटल है तो यहाँ पर बैक बॉन्डिंग हो सकती थी नाइट्रोजन टू क्लोरीन लेकिन वहाँ पर नहीं होती यहाँ पर भी क्योंकि यहाँ पर बेसिकली इलेक्ट्रॉडी डिफरेंस नहीं है ठीक है थर्ड क्या है मेरा कोवलेंट होना चाहिए ठीक है आयनिक नहीं होना चाहिए जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा ए एल एफ थ्री हो गया ठीक है यहाँ पर फ्लोरिन के पास लोन पेयर है एलिमिनियम के पास वेकेंट डी ऑर्बिटल है हो सकती थी लेकिन ये क्या होते हैं आयनिक होते हैं ऐसे ही मेरे ए एल टू थ्री वाले भी क्या होते हैं आयनिक होते हैं ठीक है तो यहां पर भी क्या होगी बैक बॉन्डिंग नहीं होगी इनमें भी क्या होगी नहीं होगी अब अगर बात किसकी यहां पर कि अगर मेरी मान लो सपोज सेंट्रल एटम टू सराउंडिंग एटम बैक बॉन्डिंग हो रही हो ठीक है अगर सेंट्रल एटम सराउंडिंग एटम हो रही होगी केस में मेरी हाइब्रिडाइजेशन जो होगी हाइब्रिडाइजेशन जो होगी चेंज हो जाएगी ठीक है चेंज हो जाएगी हाइब्रिडाइजेशन और अगर मेरी सराउंडिंग एटम से सेंट्रल एटम की तरफ हो रही होगी तब मेरी हाइब्रिडाइजेशन जो होगी नॉट चेंज ठीक है तब मेरी हाइब्रिडाइशन चेंज नहीं होगी एग्जांपल देख लेते हैं एग्जांपल जैसे मैंने लिया बी एफ थ्री ठीक है इसके बाद वोरन के पास क्या है वेकेंट पी ऑर्बिटल है तो यहाँ पर बैक बॉन्डिंग कहाँ से हो रही है सराउंडिंग से सेंट्रल की तरफ हो रही है ठीक है यहाँ पर सराउंडिंग आइटम से सेंट्रल आइटम की तरफ हो रही है तो यहाँ पर क्या होती है एस पी टू हाइब्रिडाइजेशन है कि नहीं होती है तो यहाँ पर आफ्टर बैक बॉन्डिंग भी एस पी टू ही हाइब्रिडाइजेशन रहती है कोई हाइब्रिडाइजेशन में चेंज नहीं आता लेकिन अगर मैं बात करूँ किसकी इसकी एन एस आई एस थ्री होल था इसकी ठीक है यहाँ पर क्या है लोन पेयर्स है और इसके बाद वेकेंट डी ऑर्बिटल है ऑर्बिटल्स हैं तो यहाँ पर भी हो सकती है, है, ठीक होती है यहां पर तो बेसिकली क्या होता है यहां पर सेंट्रल एटम टू सराउंडिंग एटम हो रही है तो उस केस में मैंने क्या बताया हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो जाती है तो पहले क्या था यहाँ लोन पेयर भी था और ऐसे तो एसपी होता है होना तो चाहिए था एसपी लेकिन होता क्या है ये एसपी टू हाइब्रिडाइज का होता है और इसकी स्ट्रक्चर भी प्लेनर होती है और ये आपसे बहुत बार पूछा हुआ भी है ठीक है तो अगर एन सी एच थ्री होगा वहाँ पर वो पिरामिडल ही होगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी और यहाँ पर क्या होगा ये प्लेनर होगा और sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी ठीक है सिमिलरली मेरा एक और एग्जाम्पल हम देख सकते हैं यहाँ पर एन पी एफ टू ठीक है इसमें भी क्या होती है sp2 हाइब्रिडाइजेशन ही होती है और ये भी क्या होगा प्लेनर ही होता है ट्राइगोनल प्लेनर होता है ठीक है नेक्स्ट की बात करूं तो नेक्स्ट क्या है मेरा टॉपोलॉजी ऑफ पॉलीहेड्रन बेसिकली टॉपोलॉजी क्या होती है कि कोई पॉलीहेड्रा है बेसिकली ठीक है उसमें कितने नंबर ऑफ़ फेसेस हैं कितने उसमें वर्टिसेस हैं या कितनी उसकी एजेस हैं ठीक है वो बताने के लिए तो एग्जाम में आपको देखते हो आपसे पूछा हुआ भी है कभी ट्राइगोनल बाईपिरामिडल ज्योमेट्री दे दी उसमें पूछे नंबर ऑफ वर्टिसेस बताओ कोई स्क्वायर प्रेजमेटिक दे दी या फिर ट्राइगनल प्रेजमेटिक दे दी उसमें पूछा वर्टिस बताओ उसके फेस बताओ उसकी एजेस बताओ ठीक है तो उसके लिए हमारे पास सिंपल फॉर्मूला होता है वी माइनस ई प्लस एफ इज इक्वल टू टू वी क्या है मेरा वर्टिसज है ई e क्या है एज है और एफ क्या है फेसेज हैं ठीक है निकालेंगे कैसे तो यहाँ पर तीन चीज़ें हैं तो दो आपको तो पता होनी चाहिए ठीक है तो स्ट्रक्चर का थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए ठीक है तो मैं यहाँ पर एक आपको यहाँ पर निकाल के दिखा देता हूँ ठीक है एक यहाँ पर मैं निकालता हूँ तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर किसकी ये मोनो लेट सपोज की निकालते हैं मोनो थोड़ा सा टफ है स्क्वायर हैिडल ठीक है इसकी निकालते हैं तो मोनो कैब स्क्वायर पिरामिडल है तो स्क्वायर पिरामिडल कैसे होता है मेरा ऐसे कुछ होता है यहाँ पर कुछ इस तरह का होता है ठीक है ये स्क्वायर पिरामिडल है मोनो कैप कैसा होगा किसी एक फेस पे यहाँ पे कैपिंग हो जाएगी ठीक है ये मान लेते हैं कैप हो गई कैपिंग कैसे होती है ऐसे हो सकती है ठीक है ये ऐसे हो गया अब अगर ये इस तरह से हो गया है तो आप अगर इसमें देखेंगे तो आप इसके वर्टिसेस कितने वर्टिस तो आप निकाल सकते हैं यहाँ से जो वर्टिसेस आएंगे मेरे वर्टिसेस कितने आएंगे वर्टिसेस यहाँ से आ जाएंगे मेरे सिक्स तो पाँच तो पहले से थे स्क्वायर पेमिडल में पांच वर्टिसेस होते हैं और एक कैपिंग के वजह से वर्टिसेस तो सिक्स एक तो चीज़ पता चल गई दूसरी चीज़ कैसे निकालेंगे फेसेस निकालते हैं पहले ठीक है एस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है उसको हम फॉर्मूले से निकालेंगे फेसेस ट्राई करते हैं निकालेंगे फेस कैसे ट्राई करेंगे पहले क्या था पहले आपका चार फेस ये वाले थे जो ये ट्राइंगल बन रहे हैं ऊपर से ठीक है एक पीछे वाला दो तीन चार आप इसमें से एक तो ऑकीपाई होगा तीन फेस ये रह गए ठीक है और एक फेस मेरा नीचे वाला ठीक है आप कैपिंग जो हुई है तो कैपिंग ने किस तीन कॉर्नर से उसने शेयर की है अपनी ठीक है तीन कॉर्नर से अगर उसने शेयर किया है तीन कॉर्नर शेयर किया है तो एक तो ये वाला फेज हो गया एक ये वाला फेज हो गया और एक जो इसका सामने वाला जो बनेगा वो फेज हो जाएगा थर्ड ठीक है तीन फेज ही हो गए तो पहले कितने थे फोर और अब कितने हो गए तीन तो यहां पे कितने आ गए सॉरी पहले फाइव थे लेकिन एक फेज कम हो गया वहां से ठीक है तो उसने कम कर दिया तो चार बचे इसके पिरामिडल वाले के और एक तीन कैपिंग्स है तो सेवन फेजेज हो गए तो फेस कितने हो गए यहाँ पर सेवन हो गए अब फॉर्मला अप्लाई कर लो आप फॉर्मुला क्या था v माइनस ई प्लस एफ इज इक्वल टू टू ठीक है तो यहाँ से कितना आया ये फेस कितने आएगा सेवन माइनस ई प्लस सिक्स इज इक्वल टू टू तो यहाँ से e जो आएगा वो आपका 11, तो 11 आ जाएगा कितना इलेवन ठीक है तो इलेवन आ जाएगा ठीक है तो क्या आएंगे सेवन सिक्स एंड इलेवन अब यहाँ पर आपके लिए टेबल पहले से ही बना रखी है तो आप डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पर स्ट्रक्चर हैं आपको दे रखी हैं और आप यहाँ से देख सकते हैं इसका स्क्रीन भी ले सकते हैं आप ठीक है तो बेसिकली इसका स्क्रीन आप ले लो और मैं आगे इसको और ठीक है तो ये तो अब अगर मैं इसकी बात करूँ तो आपको देखूँ अभी मैंने किसका निकाला था यहाँ पे मोनो स्क्वायर पिरामिडल के लिए निकाला था तो आप देखेंगे यहाँ पर सिक्स कितने वर्टिसेस आए थे सेवन फेस आए थे और एलेवन उसकी एजेस आई थी तो आप इसका ऐसे ही सबका निकाल सकते हैं ठीक है थीके? ये यहाँ पर टेबल है मोनोकैप ऑडा के लिए ये होते हैं स्क्वायर एंटी प्रिज्म हो गया बाई कैप ट्राइगल प्रिज्म हो गया ठीक है इन सब के लिए यहाँ पे निकाला हुआ है तो आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर का आइडिया होना चाहिए ठीक है तो नेक्स्ट अगर देखें हम नेक्स्ट क्या है मेरा डाइपोल मोमेंट है ठीक है तो मोमेंट की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर मोमेंट होता क्या है बेसिकली एक वैक्टर क्वान्टिटी होती है ठीक है इसको हम क्या म्यू से नोट करते हैं म्यूजिकल टू क्यू इन टू एल भी लिखते हैं ठीक है क्या मेरा चार्ज है और एल क्या है जो उनका सेपरेशन है उनके बीच में ठीक है इसको डाय एक क्या है वेक्टर क्वांटिटी है वेक्टर क्वांटिटी है और अगर मैं केमिस्ट्री में बात करूँ तो उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं इस तरह के एरो से करते हैं ठीक है तो ये एरो का भी बहुत बड़ा रोल है तो इसको डायवलोपमेंट वैक्टर बोलते हैं तो ये कैसे कहां से जाता है ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से लेस लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ठीक है यहां पे काई बेसिकली मैं यूज कर रहा हूँ इसके लिए इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के लिए ठीक है तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से हमेशा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ जाएगा और हम उस तरह से कैलकुलेट करते हैं कैसे कैलकुलेट करेंगे इसके लिए भी हमें स्ट्रक्चर का थोड़ा बहुत पता आइडिया होना चाहिए तभी हम यहाँ पर कर सकते हैं ठीक है तो स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूँ लेट सपोज़ मुझे करना हो किसका कोई सी भी स्ट्रक्चर ले लेते हैं ठीक है एक् जी एफ टू ठीक है ये ले लेते हैं ठीक है तो एक्जी एफ टू कैसे बनता है मेरा इसका निकालेंगे हम वैसे निकालेंगे तो ये हो गए एट प्लस यहाँ पर दो फ्लोरीन है डिवाइड बाई टू करेंगे तो कितना आएगा टी बी पी आएगा ठीक है पाँच शेरिक नंबर आ जाएगा पाँच के लिए टी होती है टी कैसे बनाएंगे तो एग्जी अगेन यहाँ पे क्या लगाएंगे यहाँ पे लोन पेयर्स आ जाएंगे ठीक है तो ये आ गया अब ये क्या होता है लीनियर होता है बेसिकली कैसे निकालेंगे अब इसका अब लोन पेयर का तो लोन पेयर की तरफ होगा इसको इसको देखते हैं ठीक है तो कैसे निकालेंगे यहाँ पे क्या है लोन पेयर का हमेशा लोन की तरफ पेड़ की तरफ होता है यहाँ पर इसको एरो इसमें यहाँ पर हम इलेक्ट्रोनेगेटिव हमेशा कभी भी लोन पेयर होगा तो हेड जो आएगा एरो का वो लोन पेयर की तरफ आएगा ठीक है तो इसका इधर जाएगा अब इनका रिजल्ट इन लोन पेयर का इधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है तो ये इक्वल है ना अपॉजिट है कैंसिल हो जाएंगे सिमिलरली अगर मैं बॉन्ड पेयर की बात करूँ तो यहाँ पर जेनॉन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है ठीक है तो जेनॉन से जाएगी फ्लोरिन की तरफ यहाँ पर भी जेनोन से जाएगी फ्लोरिन की तरफ तो ये भी क्या है इक्वल है और अपोजिट है तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगे तो यहाँ पर जो मै डाइपलोमेंट आएगा वो ज़ीरो आ जाएगा ठीक है तो आपसे एग्जाम में ऐसे ही होता है आपको तीन चार स्ट्रक्चर दे देंगे ठीक है आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए आपसे पूछा कौन सा नॉन जीरो डायपोलोमेंट है किसका जीरो डायपोलोमेंट है ठीक है आपसे ये पूछेंगे ठीक है कुछ एब नॉर्मल ऑर्डर होते हैं इनके वो देख लेते हैं ठीक है ये कुछ यहाँ पर क्या लिखा है मैंने एब नॉर्मल ऑर्डर लिखवाए हुए ठीक है इसका तो ज़ीरो ही होता है सी सी एल फोर है परफेक्ट एक्ट्राइडल हो परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल हो और अगर सराउंडिंग आइटम सारे सेम हो तो हमेशा डायप्लोमेंट जीरो आएगा ठीक है उसके बाद मैं क्या कर रहा करूँ यहाँ पर क्लोरीन बढ़ा रहा हूँ फिर भी डायब्लोमिन मेरा क्या आ रहा है कम आ रहा है ठीक है तो ये ऑर्डर एक याद करना है आपको ऐसे ही अगर हम बात करूँ सी एस थ्री एफ का कम होता है सी एस थ्री सी एल से जबकि यहाँ पर चार्ज क्लोरिन का ज़्यादा होता है मतलब अगर वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो यहाँ पर चार्ज सेपरेशन ज़्यादा देखने को मिलना चाहिए था हमें लेकिन ऐसा होता नहीं यहाँ पर क्लोरिन यहाँ पर साइज़ जो फैक्टर होता है वो डोमिनेट करता है साइज़ फैक्टर इस वजह से इसका ज़्यादा होता है सिमिलरली बी आर आप देखेंगे क्लोरीन वाले मतलब क्लोरिन वाले केस में क्या हो रहा था क्लोरिन बढ़ रही थी तो डायब्लोमिन कम हो रहा था और इसमें क्या हो रहा है ब्रोमिन बढ़ रही लेकिन डायप्रोमिन भी बढ़ रहा है ठीक है तो ये उल्टा हो गया इसके पॉजिटिव ऑर्डर आ गया ठीक है यहाँ पर भी साइज़ डोमिनेटिंग फैक्टर हो जाता है सिमिलरली ऐसे सी वाले का ज़्यादा होता है बी वाले से भी एफ वाले से भी ज़्यादा होगा और बी वाले से भी ज़्यादा होगा ठीक है सी एस को ज़्यादा होता है सी एस टू का तो ये कुछ एब नॉर्मल ऑर्डर है जो आपको याद होनी चाहिए कि आप एग्जाम में कभी पूछ लें ठीक है नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो मेरी क्या है मल्टी सेंटर बॉन्डिंग तो मल्टी सेंटर अगर बॉन्डिंग की बात करूं मैं तो जब मेरे दो आइटम से ज़्यादा है मतलब इन्वॉल्व होते हैं बॉन्डिंग में तो हम उसको क्या बोलते हैं मल्टी सेंटर बॉन्डिंग थ्री सेंटर हो सकते हैं फोर सेंटर हो सकते हैं फाइव सेंटर ठीक है तो इस तरह की बॉन्डिंग को हम मल्टी सेंटर बॉन्डिंग बोलते हैं तो इसमें मेनली हम जो होते हैं हमारे थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन और थ्री सेंटर फोर इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के बारे में हम पढ़ते हैं ठीक है कि जब मेरे तीन सेंटर हों और टोटल टू इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हों और या फिर तीन सेंटर हो और टोटल फोर इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो ठीक है तो इस एजे आपने डायवरियन पढ़ा होगा ठीक है बी टू एच सिक्स बी टू एच सिक्स पढ़ा होगा यहाँ पर ब्रिज बॉन्डिंग होती है ठीक है यहाँ पर भी थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड देखने को मिलता है आपने एक चीज़ पढ़ी होगी यहाँ पर एस थ्री प्लस ठीक है ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है इसमें भी मेरा क्या होता है इसकी स्ट्रक्चर की बात करूँ तो इसमें क्लोज़ कुछ इस तरह से इसका इक्विल ट्राइंगल जैसा स्ट्रक्चर होता है ठीक है ऐसे तो बेसिकली इसमें भी आपके जो दो इलेक्ट्रॉन हैं वो पूरी ऐसे ट्राइंगल में घूमते रहते हैं और यहाँ पर भी थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड हमें देखने को मिलता है ठीक है सिमिलरली हमारा ए एल एस थ्री हो गया पॉलीमर ठीक है इसमें भी हमारी क्या होती है थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड ही प्रेजेंट होते हैं ठीक है तो बेसिकली बनाना बॉन्ड जो होता है वो भी थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होता है उसको बनाना बॉन्ड भी कई बार बोलते हैं एंगुलर बॉन्ड जैसे मेरे बी टू एच सिक्स में होते हैं ठीक है अब अगर मैं बात करूँ किसकी थ्री सेंटर फोर इलेक्ट्रॉन बॉन्ड की तो थ्री सेंटर फोर इलेक्ट्रॉन बॉन्ड किसका किसका बनेगा किस में बनेगा जब मेरी ब्रिजिंग वाली जैसे यहाँ पर क्या था ब्रिजिंग हाइड्रोजन वाले थे ठीक है तो अगर वो हाइड्रोजन है तो सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन दे सकता है एक इलेक्ट्रॉन उसको दो सेंटर को देने पड़ रहे होंगे तो वहाँ पर हमें इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बॉन्डिंग देखने को मिलती है तो उसको मैं थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड लेकिन अगर मेरा कोई ब्रिजिंग है जो एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन दे सकता है जैसे क्लोरीन वगैरह हो गई उस केस में मुझे थ्री सेंटर फोर इलेक्ट्रॉन बॉन्ड भी देखने को मिलेगा फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मेरा ए एल टू सी एल सिक्स होता है ठीक है इसमें भी होती है ऐसे ही मेरा बी टू सी एल फोर भी होता है सॉरी बी टू नहीं बी ई टू सी एल फोर भी होता है ठीक है इन सब में क्या देखने को मिलती है मुझे थ्री सेंटर फोर इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग देखने को मिलती है अब एग्जाम में आपको सिंपल कोई स्ट्रक्चर दे देते हैं थोड़ा सिंपल का बिगर कोई कॉम्प्लिकेटेड भी दे देते हैं और आपसे पूछ लेते हैं क्या कि कितने थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड या कितने थ्री सेंटर फोर इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होंगे ठीक है तो एग्जाम्पल ऐसे ही होता है मान लेते हैं ये मान लेते नहीं ये होता है हमारा कंपाउंड इसमें कैलकुलेट करते हैं ए एल टू है बी एच फोर है इसकी फोर यूनिट्स हैं और एच टू है ठीक है ये कोई मेरा कंपाउंड है और इसमें आपको बताने हैं थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड काउंट करने हैं ठीक है थीके? तो आप कैसे करोगे इसको जब तक आपको स्ट्रक्चर ही नहीं बनाना नहीं आएगा तब तक आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते तो स्ट्रक्चर देखते हैं स्ट्रक्चर कैसे मेरे पास दो एलुमिनियम है ठीक है और दो हाइड्रोजन है तो वो इस एलमियम के साथ ही ब्रिज में होंगी कुछ इस तरह से अब मेरी जो बी एच फोर यूनिट है वो कैसे जुड़ी हुई होंगी वो भी हाइड्रोजन ब्रिज से ही जुड़ी हुई होंगी तो ये ध्यान रखना है ठीक है कुछ इस तरह से बी एच फोर यूनिट बना देंगे हम तो यहाँ पे क्या आएगा मेरा H B H H एच अब यहाँ पे बाकी बना देते हैं एच एच बी एच सिमिलरली एक यहाँ पर भी ठीक है कुछ इस तरह से बना देंगे अब आप काउंट कर सकते हैं यहाँ पर तो काउंट करते हैं तो ये वाला जो बॉन्ड बन रहा है बेसिकली यही क्या है मेरा थ्री सेंटर और टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड जहां जहां हाइड्रोजन ब्रिज में होगी वो मेरा क्या होगा थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड तो एक ये हो गया एक ये हो गया दो ठीक है तीन चार पाँच छ सात आठ नाइन एंड टेन ठीक है तो कितने आ गए मेरे यहाँ पर टेन थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड आ गए यहाँ पे ठीक है तो आपसे एग्ज़ाम्पल ये हो सकता तो है एक बार एग्जाम में पूछा हुआ भी था कौन सा पूछा हुआ था ये वाला पूछा हुआ था आपसे ठीक है थ्री है? तो नेक्स्ट क्या मेरा हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग ठीक है हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्ज़ाम में का एक बार पूछ सकते हैं तो हाइड्रोजन बॉन्ड की बात करें तो हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे बनता है आपने पढ़ा होगा कि जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल कोई मेरा एक्स आइटम है और वो एच से अटैच है ठीक है तो कंडीशन ये है कि जो x होना चाहिए वो इलेक्ट्रो नेगेटिव आइटम होना चाहिए ठीक है इलेक्ट्रो नेगेटिव आइटम होना चाहिए और उसकी इलेक्ट्रॉनिटी काफ़ी ज़्यादा आनी चाहिए ज़्यादा आनी चाहिए क्यों आनी चाहिए क्योंकि यहाँ फिर डेल्टा नेगेटिव इससे क्या करेगा वो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा और इस पर क्या आएगा डेल्टा पॉजिटिव अब जब ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया तो हमें क्या करना है क्या है कि कोई हमारे डोनर आइटम मिल जाए डी जो इसको इलेक्ट्रॉन दे सके ठीक है तो यही जो बॉन्ड बनता है उसको हम क्या बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं ठीक है तो बेसिकली क्या कंडीशन है एक तो हाइड्रोजन जो अटैच होना चाहिए वो इलेक्ट्रोन नेगेटिव आइटम से अटैच होना चाहिए और कोई डोनर एटम होना चाहिए जिसका साइज ज़्यादा बड़ा ना हो और उसकी चार्ज डेंसिटी ज़्यादा हो ठीक है तो कुछ फैक्टर्स लिखे हैं मैंने यहाँ पर तो जो स्ट्रेंथ होती है हाइड्रोजन बॉन्ड की वो किस पर डिपेंड करती है डेल्टा पॉजिटिव ऑन एच कि मेरा जो एक्स है वो क्या होना चाहिए इलेक्ट्रोनेगेटिव तभी तो डेल्टा पॉजिटिव ज़्यादा बढ़ेगा इसीलिए हम बोलते हैं जो हमारे फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन होते हैं वही हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं लेकिन ऐसा होता नहीं है बनाते और भी हैं लेकिन जो उनके केस में जो मतलब बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ होती है वो ज़्यादा होती है इस वजह से हम उन्हीं को पढ़ते हैं ठीक है तो ये चीज़ हमें देखनी है तो एक तो ये हो होगा एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एक्स एक्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी बॉन्ड स्ट्रेंथ ठीक है नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन डी ठीक है जो डी है उस पर जितने नंबर ऑफ लोन पेयर हैं उस पर भी डिपेंड करती है साइज ऑफ डी साइज जितना ज़्यादा बड़ा उतना क्या होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम स्ट्रेंथ की साइज जितना छोटा होगा उतनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होगी अच्छी होगी क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन का भी साइज छोटा होता है तो हमें छोटा आइटम चाहिए होता है ठीक है और नेगेटिव चार्ज ऑन डी ठीक है तो बेसिकली इन तीनों को अगर मैं मिला दूँ तो इसको हम बोल सकते हैं कि चार डेंसिटी क्या होनी चाहिए डी की ज़्यादा होनी चाहिए ठीक है तो उस केस में मेरी हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा होती है अब अगर मैं बात करूँ कि अगर मेरा क्या होता है बेसिकली अगर मेरा क्या होता है आ, कि जो मेरा एक्स आइटम है और डी आइटम है ऑल अगर सेम होते हैं ठीक है थीके? तो हम उसको सिमेट्रिकल हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोल देते हैं ठीक है थीके? अगर वो डिफरेंट है तो उसको हम एसिमेट्रिकल हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोल देते हैं ठीक है थीके? अब यहाँ पे अगर मैं स्ट्रेंथ की बात करूँ तो यहाँ पर क्या है एस टू है एस टू हो और एच टू है ठीक है एक में ओ माइनस दे, दे रहा है एक में एन माइनस दे रहा है और एक में एफ माइनस दे रहा है ठीक है तो कहाँ पे स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी ठीक है तो अब एक्स आइटम तो दोनों में सेम तीनों में सेम है ठीक है डोनर आइटम बदल गया अब मैंने बताया आपको एक तो हमारे लोन पे डी पे और एक तो नेगेटिव चार्ज ठीक है नेगेटिव चार्ज तीनों पे है लेकिन फ्लोरिन की बात करेंगे तो वहाँ पर क्या है तीन लोन पेयर होते हैं और एक और आ गया नेगेटिव चार्ज से नाइट्रोजन के पास एक ही होता है और ऑक्सीजन के पास दो होते हैं ठीक है थीके? तो ऑर्डर क्या होना चाहिए अगर मैं इसको बोल दूँ ये ए है ये बी है और ये सी है तो ऑर्डर क्या आएगा ए में सबसे ज़्यादा आएगी देन मेरी सी में आएगी और देन मेरी बी में आ जाएगी ठीक है तो ये क्या हो जाएगा मेरा ऑर्डर आ जाएगा कि ए में सबसे स्ट्रांग होगी देन मेरा सी में और देन मेरी बी में ठीक है तो नेगेटिव चार्ज आने से ये फ़र्क अब अगर मैं नेक्स्ट आपसे बात करूँ तो नेक्स्ट आप देखेंगे यहाँ पर क्या है एन ठीक है H मतलब NH4+ है और उसको ऑक्सीजन उक, मतलब वाटर का ऑक्सीजन क्या कर रहा है डोनेट कर रहा है ठीक है एक हाइड्रोजन बॉन्ड ये और एक ये है यहाँ पर क्या बन रहा है यहाँ पर नाइट्रोजन डोनेट कर रहा है ठीक है अब अगर आप इसकी बात इसको देखेंगे और इसको देखेंगे ठीक है तो क्या होना चाहिए यहां पर ऑक्सीजन है ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ज्यादा है दो लोन पेयर और उसके पास एक ही है तो ज्यादा तो इसकी होनी चाहिए थी स्ट्रेंथ लेकिन ऐसा होता नहीं है ठीक है बेसिकली यहाँ पर आप मैंने बताया ना यहाँ पर क्या है नाइट्रोजन है और वहाँ पर भी नाइट्रोजन है तो ये क्या सीमेट्रिकल है सिमेट्रिकल है ठीक है, है और नाइट्रोजन पे अगर यहां पर नेगेटिव चार्ज होता तो हम बोल सकते थे हाँ ये ज़्यादा ज़्यादा जा, देगा लेकिन अगर न्यूट्रल है न्यूट्रल में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है तो यहाँ पर आपको सिमेट्रिकल वाला फैक्टर भी कंसिडर करना है ठीक है तो ये सिमेट्रिकल हो रही है यहाँ पर तो इसकी क्या होती है स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है देन इस वाले से ठीक है ये क्योंकि असीमेट्रिकल हो जाता है तो ये भी आपको ध्यान रखना है ठीक है नेक्स्ट वाले में देखते हैं अब नेक्स्ट वाले में क्या हुआ कि मैंने यहाँ पर एक्स चेंज कर दिया ठीक है और वो भी चेंज है अब यहाँ पे आप देखेंगे अगर तो बेसिकली ये कब बनेगा मेरा ये होगा मेरा यहाँ पर क्या ऑक्सीजन से यहाँ पे एच जुड़ा हुआ है और यहाँ पर सिर्फ लोन पेयर देने वाला कौन है मतलब ऑक्सीजन देने वाला है वहाँ पर ओ माइनस अब नेगेटिव चार्ज तो आ गया लेकिन आपको यहाँ पर ये चीज़ देखनी है वहाँ पे नेगेटिव वहाँ डोनेशन तो ज़्यादा हो रही होगी लेकिन पॉजिटिव चार्ज आपको सबसे पहले देखना है कि एच पे पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे ज़्यादा है तो यहाँ पर ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज है तो ये ज़्यादा खींचेगा तो डेल्टा पॉजिटिव यहाँ ज़्यादा है और यहाँ डेल्टा पॉजिटिव इतना ज़्यादा नहीं है यहाँ पर कम है यहाँ पर ज़्यादा है ठीक है तो इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी देन इस वाले से तो ये भी आपको ध्यान रखने कुछ factors, तो हैं कुछ फैक्टर्स ठीक है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में हम ऐसे करेंगे ये जो मैंने फैक्टर लिखवाए आपको वही आपको थोड़ा सा रिवाइज़ करना है वही इंपॉर्टेंट है तो आप इस तरह से देखेंगे तो सबसे पहले आप क्या देखेंगे देखेंगे कि लोन पेयर किस पे ज़्यादा है बेसिकली सबसे पहले आप देखेंगे एक्स एक्स क्या है एक्स जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना ज़्यादा हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज ठीक है उतनी स्ट्रॉग हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मैं फिर आप देखेंगे डोनर आइटम कैसा है उसके पे लोन पेयर कितने हैं अगर वो न्यूट्रल है तो आपको फिर सिमेट्री भी कंसिडर करनी है अगर सिर्फ एक और दो लोन पेयर की बात आती है ठीक है तीन वाला आ जाता है तो फिर वो तो ज़्यादा करता ही है ठीक है फिर आपको देखना है कि नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज वाले में आपको सिंपल लोन पेयर ही देखने होंगे और उसके बाद आपको ये देखना होगा वही कि एक्स मैंने बता दिया यहाँ पर ठीक है कि एक्स कौन सा किस में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है यहाँ पे ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज आ रहा था तो यहाँ पे ज़्यादा खींच रहा था वहाँ पे ऑक्सीजन पे कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है तो वहाँ पे कम खींचेगा मतलब डेल्टा पॉजिटिव कम आएगा हाइड्रोजन पे ठीक है ऑल दो देने वाला यहाँ पे ओ माइनस यार ये ज़्यादा डोनेट करेगा लेकिन फिर भी आपको पहला फैक्टर भी कंसिडर करना है ठीक है तो नेक्स्ट चलते हैं तो नेक्स्ट बेसिकली हमारा क्या है लेटिस एनर्जी का तो लेटिस एनर्जी से अब क्वेश्चन थोड़े पूछने लगे एग्जाम में तो हम ये भी कवर कर लेते हैं ठीक है लैटिस एनर्जी होती क्या है बेसिकली कि जब मेरा वन मोल आयनिक सॉलिड बनता है उसके गैस गैस से तो उस टाइम एनर्जी रिलीज़ होती है क्योंकि दो आयन आके आपस में मर्ज हो रहे हैं और एक आयनिक क्रिस्टल बना रहे हैं तो एनर्जी रिलीज़ होती है इसलिए नेगेटिव होती है लाइटिस एनर्जी निकलती है और अगर मैं बता चाहूँ तो कैसे बनेगा मान लेते हैं कुछ मेरा एक्स है गैस फेज में प्लस वो वाई से हुआ ठीक है ये प्लस है ये माइनस है और कोई आइनिक सॉलिड एक्स वाई इन्होंने बना लिया ठीक है तो इस केस में जो एनर्जी रिलीज होती है डेल्टा एच जो होगा वही मेरी क्या होती है लेटिस एनर्जी होती है और एनर्जी क्या होती है रिलीज होती है इस केस में ठीक है तो बेसिकली इसको एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट किया जाता है लेकिन कुछ थियोरेटिकल मैथड हैं इसको कैलकुलेट करने के लिए तो उसमें जो फर्स्ट आती है मेरी वो क्या आती है बॉर्न लैंडे इक्वेशन आती है ठीक है तो आपके सामने मैंने लिख रखी है यहाँ पर इक्वेशंस तो इसमें आपको टर्म में समझा देता हूँ ठीक है तो ए क्या है मेरा यहाँ पे मॉडलंग कांस्टेंट है और एन स्मॉल एन जो है वो बोन एक्सपोनेंट होते हैं ठीक है थीके? और जो एन नॉट है यहाँ पे एवेगर्डो नंबर है जेड प्लस जेड माइनस यहाँ पे चार्जेस होते हैं और आर जो होता है यहाँ पर डिस्टेंस होता और e है और ई इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है ठीक है डिस्टेंस मतलब केटाइन एन एन के, के बीच का डिस्टेंस तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या इस है इस इक्वेशन में बेसिकली ये दो चीज़ें ठीक है अब जो मॉडलंग कॉन्सटेंट होता है ए वो क्या करता है वो डिपेंड करता है डिपेंड्स ऑन डिपेंड्स ऑन कॉर्डिनेशन नंबर ठीक है कॉर्डिनेशन नंबर बढ़ेगा ए की वैल्यू भी बढ़ेगी कॉर्डिनेशन नंबर पर डिपेंड करता है जैसे कि अगर मैं बात करूं सी एस सी एल का ए जो होगा वो बड़ा होगा किसके एनए सी एल के ए से ठीक है सी एस सी एल का ए जो होगा वो एन एस सी एल के ए से बड़ा बढ़ा यहाँ पे आठ कॉर्डिनेशन नंबर होता है वहां पर छह होता है ये चीज हो गई अब बॉन एक्सपोनेंट की बात करते हैं तो बॉन एक्सपोनेंट होता है बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन पर डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन ठीक है जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहती है उस पर बॉर्न एक्सपोनेंट एन की वैल्यू डिपेंड करती है तो कैसे होती है आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ ठीक है तो कैसे होगी तो लेट सपोज मेरे पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो हीलियम की कॉन्फ़िगरेशन है अगर वो हीलियम की कॉन्फ़िगरेशन है तो यहाँ पर जो एन की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी बेसिकली फाइव आएगी अगर वो नियॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो एन की वैल्यू क्या आएगी सेवन आएगी अगर वो नेक्स्ट गैस की होती है नोबल गैस आर्गन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो नाइन आएगी देन मेरे अगर वो क्रिप्टन की है कॉन्फ़िगरेशन, तो मेरी टेन आएगी और लास्ट में अगर वो जेनॉन की कॉन्फ़िगरेशन है तो ट्वेल्व आएगी तो आपको ये टेबल काइंड ऑफ क्या है ये याद रखनी है ठीक है हीलियम मतलब टू इलेक्ट्रॉन्स शैल में मतलब इलेक्ट्रॉन तो फाइव देन सेवन नाइन टेन एंड ट्वेल्व अब हम एक एग्जाम्पल कर लेते हैं निकाल के देखते हैं इसको ठीक है निकाल के देखते हैं इसको निकाल के देख लेते हैं तो अगर मैं बात करूं NaCl की NaCl के लिए निकालते हैं हम तो यहाँ पर क्या होगा Na प्लस होगा और सी एल माइनस हुआ तो एन ए प्लस बेसिकली टेन इलेक्ट्रॉन तो मतलब ये नियॉन की कॉन्फिग्रेशन है और ये सी एल माइनस जो है वो किसकी मेरी आर्गन की कॉन्फिग्रेशन है ठीक है तो इसके लिए एन की वैल्यू भी हमने देखी थी किस, कितनी होती है नियॉन के लिए अगर नियॉन की कॉन्फिग्रेशन होती है तो सेवन होती है और यहाँ पर नाइन होती है ठीक है अब सेवन और नाइन तो आ गए लेकिन हमें क्रिस्टल का निकालना है ठीक है बोन एक्सपोनेंट क्रिस्टल का निकालना है तो कैसे निकालेंगे इनका एवरेज ले लेंगे तो एन जो आएगा टोटल ये तो कैटाइन का था और ये एन एन का था एन ऑफ एन एन ठीक है अब अगर मैं बात करूँ एन की तो वो क्या होगा इन दोनों का एवरेज लेंगे सेवन प्लस नाइन डिवाइड बाई टू तो कितना आ जाएगा ये एट आ जाएगा ठीक है तो एन की वैल्यू एन के लिए एट आएगी ऐसे ही आप डिफरेंट डिफरेंट क्रिस्टल के लिए निकाल सकते हैं ठीक है अब अगर मैं बात करूँ किसकी नेक्स्ट नेक्स्ट इक्वेशन की बात करते हैं ठीक है नेक्स्ट इक्वेशन जो है मेरी वो क्या है कैपेसिटेंस की इक्वेशन है तो अगर मैं बात करूँ आपसे जो मेरी बॉन लाडा इक्वेशन थी ठीक है ऑल दो मतलब एक्सपेरिमेंटल जो ओलाइटिस एनर्जी निकाली गई उससे इसमें थोड़ा सा डेविएशन देखने को मिली थी तो इतनी अच्छी नहीं थी लेकिन जो इक्वेशन है इससे काफ़ी एक्यूरेट हमें डाटा जो थियोटिकली हम निकालते हैं और ओलाइटिस एनर्जी और एक्सपेरिमेंटल लाइटिस एनर्जी में बहुत ही कम डिफरेंस देखने को मिलता है ठीक है तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर इसमें बेसिकली कुछ टर्म्स हैं तो वही जेड प्लस जेड माइनस क्या चार्जेस हैं आर प्लस आर माइनस क्या ये बेसिकली डिस्टेंस है क्या टाइम ए इनका और यहाँ पर जो V है बेसिकली क्या है नंबर ऑफ आयंस इन द फॉर्मूला ठीक है तो फार्मूले में कितने आयंस हैं वो बताता है क्या तो फार्मूला बेसिकली जैसे कि एन की बात की थी अभी मैंने तो एन के लिए जो V की वैल्यू होगी वो कितनी आ जाएगी कितने आयंस हैं यहाँ पे एक एन ए प्लस एक सी एल माइनस तो दो आयन से दो आ जाएगी ठीक है सिमिलरली अगर ए एल टू ओ थ्री है तो कितनी आ जाएगी तीन दो पाँच तो पाँच आ जाएगी ठीक है तो आयन्स जितने आएंगे इस फॉर्मूले में उस उतने ही क्या होंगे यहाँ पर वी की वैल्यू आ जाएगी ठीक है।, है तो एक ठीक है कैपेसिटेंस की इक्वेशन थी अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पर नेक्स्ट तो ये एनर्जी ऑफ इंट्रैक्शन तो आपने देखा होगा जो अपना जून 2020 का पेपर था उसमें भी पूछा हुआ था कि एनर्जी जो होती है वो कैसे वेरी करती है डिफरेंट डिफरेंट इंट्रैक्शन के लिए जैसे आयनिक इंट्रैक्शन हो डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन हो तो वो चीज़ भी आजकल एग्जाम में पूछ रहे तो मैं वहाँ पर ये भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे ठीक है तो एनर्जी ऑफ इंट्रैक्शन की बात है तो अगर आयनिक इंट्रैक्शन है तो बेसिकली उसमें कुलम फोर्स एक्ट करते हैं कुलम फोर्स में जब एनर्जी हम है निकालते हैं तो वो जो, जो एनर्जी आती है वो इनवर्सली परपोर्शनल आती है आर के ठीक है सिर्फ आर के इनवर्सली प्रपोर्शनल रहती है ठीक है आयन डाइपोल होगा आयन डाइपोल बेसिकली एक कोई आयन हो और वो डाइपोल से इंट्रैक्ट कर रहा हो तब एनर्जी जो होती है वो आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रपोर्शनल होती है डाइपोल डाइपोल जैसे कोई डाइपोल हो एच सी एल मान लेते हैं एच सी एल में अगर आपको बोले कि इंट्रैक्शन हो रही है तो वहाँ पर क्या होगा वहाँ पर बेसिकली आर की पावर थ्री के इन्वर्सली प्रपोर्सनल होगी ठीक है फिर कोई डाइपोल इंड्यूस डाइपोल हो जाए ठीक है इंड्यूस डाइपोल मतलब कोई एक बेसिकली कोई आइटम है जिसमें डाइपोल मोमेंट नहीं लेकिन एक इंस्टेंटेनियस डाइपोल मोमेंट क्रिएट हो जाता है ठीक है फिर वो अगला वही इंड्यूस डाइपोल मोमेंट दूसरे में इंड्यूस कर सकता है तो उस केस में बेसिकली क्या होता है ई टू द पावर सॉरी आर टू द पावर सिक्स के इनवर्सली होता है और जो मेरे लंडन फोर्सेज होते हैं लंडन इंट्रैक्शनस होती हैं उसमें भी आर टू पावर सिक्स तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसको आप याद रखेंगे ठीक है तो आगे भी आपसे एग्जाम में पूछ सकता है तो आपको याद होनी थी, चाहिए ठीक है ये एनर्जी ऑफ इंट्रैक्शन की बात थी अब हमारा नेक्स्ट जो आता है नेक्स्ट जो आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, आएगा, आएगा आपको और आपको ये आना ही चाहिए ठीक है तो क्या है हमारा एमओ टी मोिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी ठीक है तो मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी की बात करें तो बेसिकली क्या होती है यहाँ पर कि जो हमारे वैलेंशल ऑर्बिटल्स होते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स वो क्या करते हैं बेसिकली कंबाइन करते हैं नए ऑर्बिटल्स बनाते हैं ठीक है जितने जितने मेरे वैलेंस ऑर्बिटल होते हैं एटॉमिक और उतने ही मेरे मोलिकुलर ऑर्बिटल बनते हैं ये सब चीज़ें होती हैं तो मैं बात करूँ करू तो इसमें क्या होता है वैलेंसल ऑर्बिटल से एक तो पार्टिसिपेट करते हैं ठीक है और जो पार्टिसिपेट करेंगे उनमें एनर्जी डिफरेंस बहुत ही कम होना चाहिए ठीक है और एक और चीज़ क्या है कि जो ऑर्बिटल पार्टिसिपेट उनकी सिमेट्री जो होनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए सेम सिमेट्री के ठीक है सिमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है उनको ओवरलैप करने के लिए कंबाइन करने के लिए सिमेट्री सेम होना बहुत ज़रूरी है ठीक है सारी कंडीशन ही ज़रूरी है ठीक तो है तो ये कंडीशन होती हैं तो बेसिकली यहाँ पर मैंने बना रखा है थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं ठीक है तो ये कुछ मेरे एस ऑर्बिटल बने हुए हैं यहाँ पर एस ऑर्बिटल कंबाइन करके एक मेरा सिग्मा ऑर्बिटल बनाते हैं ठीक है सिग्मा ऑर्बिटल बनाते हैं और ये जो जी लिखा है मैंने वो क्या है वो देखते हैं बेसिकली ये जी और यू लिखते हैं हम जो जी रेड और अनजीरेड वो सेंटर ऑफ सिमेट्री अगर सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है ठीक है सेंटर ऑफ सिमेट्री अगर प्रेजेंट है प्रेजेंट तो हम क्या लगाते हैं जी लगाते हैं और अगर absent है absent है तो हम क्या लगाते हैं वहां पर लगाते हैं ठीक है यू लगाते हैं तो ये हमें ध्यान रखना है तो यहां पर आप देखेंगे तो आपको सेंटर से अगर आप इधर चलेंगे तो भी पॉजिटिव इधर भी चलेंगे सेम ऊपर चलेंगे तो भी सेम नीचे चलेंगे तो भी सेम तो हर तरफ सेम है तो यहां पर सेंटर से मेट्री है इसीलिए हम इसको सिग्मा जीरेड बोलते हैं ठीक है थीके? या फिर सिग्मा बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल बोल देते हैं तो ये तो जब होती है इन फेज मेरी क्या होती है ओवरलैपिंग होती है ठीक है अगर आउट ऑफ फेज है मतलब प्लस माइनस ठीक है तब मेरे एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनते हैं उसमें नोड प्रेजेंट होती है यहां से आप देख सकते हैं बीस से नोड बनेगी तो उसको हम सिग्मा स्टार बोल देते हैं या तो सिग्मा अनजीरेड बोलते हैं ठीक है थीके? तो ये तो बात थी सिग्मा की एक और मेरा पी ऑर्बिटल भी सिग्मा बना सकता है आपको पता है अगर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जेड एक्सिस है अगर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस क्या हो मेरी z एक्सिस ही हो तो क्या होगा pz वाला मेरे सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं ठीक है ठीके? तो ये इसलिए मैंने यहाँ पे सिंपल p लिख दिया है अगर इंटर न्यूक्लियर एक्सिस चेंज भी होती है जैसे मान लो लेट सपोज इंटर न्यूक्लियर एक्सिस बोल दे x है तो मेरा जो px वाला और बिटल होगा वो सिग्मा बॉन्ड बनाएगा py वाई और पीजेड वाले पाई बॉन्ड बनाएंगे ठीक है ये भी ध्यान रखना है आपको तो यहाँ पर मैंने सिग्मा पी लिख दिया कि पी और बिटल जो है वो सिग्मा बॉन्ड ऐसा बना रहा है ठीक है तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है ठीक है यहाँ पे प्रेजेंट नहीं थी यहाँ पे माइनस था यहाँ पे प्लस था इसलिए अंजीरेट लिखा यहाँ पे अगेन जी रेड लिखेंगे इसको ठीक है नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट क्या है यहाँ पर जो मेरे पी ऑर्बिटल ने बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है आउट ऑफ फेस मतलब एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल बन रहा है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल बन गया तो यहाँ पर भी नोड आ जाएगी और यहाँ पर भी क्या होगा इसको हम सिग्मा स्टार बोलेंगे या तो सिग्मा अनजी अं अनजीरेड बोलेंगे ठीक है ये भी सिग्मा था अब अगर मैं पाई की बात करूँ तो पाई ऑर्बिटल में ऑलरेडी अगर वो बॉन्डिंग भी हो तो भी नोड प्रेजेंट होगी ठीक है और एंटी बॉन्डिंग में दो नोड्स प्रेजेंट होंगे एक ये वाली और एक ये बीच से हो जाएगी ठीक है और बॉन्डिंग में एक नोड प्रेजेंट होगी ठीक है तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर तो यहाँ पर साइड साइडवाइज ओवरलैपिंग मतलब बेसिकली यहाँ पर ये यह कंबाइन करेंगे और ये क्या बनाएंगे अब यहाँ पर आप देखेंगे सेंटर से इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव तो अब यहाँ पर जो बॉन्डिंग वाले मॉलिकुलर ऑर्बिटल हैं वो क्या होंगे अनजीरेड होंगे जैसे वहाँ पर सिग्मा में क्या होता था बॉन्डिंग वाले जो होते थे वो क्या होते थे जीरेड होते थे और यहाँ पर क्या होगा बॉन्डिंग वाले अनजीरेड होंगे और एंटी बॉन्डिंग वाले जो होंगे वो जीरेड नेचर के होंगे तो ये ध्यान रखना है आपको ठीक है तो क्योंकि आजकल ये चीज़ पूछ लेता नेचर क्या होता है ऑर्बिटल का कि कोई हो, हो, होमो है मतलब हाइएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिकलर ऑर्बिटल है उसमें आपका जीरेड नेचर का है अनजीरेड नेचर का तो हम वो भी सब डिस्कस करेंगे ठीक है तो ये तो बात थी हमारी किसकी मॉिकुलर ऑर्बिटल्स की ठीक है अब यहाँ पर मैंने कुछ डाई एटॉमिक मॉलिकुलर ऑर्बिटल के लिए आपको एक एनर्जी लेवल डायग्राम बना रखा है और हम यहाँ पर उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन भी फिल करेंगे तो मेरी एनर्जी कुछ इस तरह से होती है ठीक है मैंने यहाँ पर वेलेंशियल हम पता है वैलेंशियल ऑर्बिटल ही पार्टिसिपेट करते हैं तो सिग्मा जीरेड टू एस वाला फिर सिग्मा एन अनजीरेड टू एस वाला देन पाई एन जीरेड टू पी वाला देन सिग्मा जीरेड टू पी वाला पाई जीरेड टू पी एंड सिग्मा एन अनजीरेड टू पी वाला ठीक है तो बेसिकली यही एनर्जी ऑर्डर नहीं चलता है थोड़ा सा हमारा हमारे कुछ अलग भी हो जाता है तो वो भी हम डिस्कस करेंगे ठीक है तो अगर मैं बोरोन की बात करूँ पहले बोरोन बी है बी है इसके थ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं तो टोटल कितने हो गए सिक्स इलेक्ट्रॉन तो सिक्स इलेक्ट्रॉन फिल कर देते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स तो कुछ इस तरह से इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी सिगमा टू सिगमा अनजीरेट टू पाई एनजीरेड मतलब दो अगर पाई वन एंड पाई टू ठीक है पाई सॉरी वन वन पाई एक्स वाला अगर होगा तो वन उसमें कि दो ऑर्बिटल बनते हैं पाई के ठीक है अगर मेरा जेड इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है तो पाई एक्स और पाई वाई बनेंगे और अगर मेरा कुछ और है तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं ठीक है फिर मेरा सी टू आ गया सी टू आ गया तो कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन फोर प्लस फोर एट एट इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे अब एट फिल कर देते हैं वन थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एंड एट ठीक है तो आप देखेंगे यहाँ पर दो अनपेड इलेक्ट्रॉन है बट यहाँ पर कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है ठीक है अब अगर मैं बात करूँ एन टू की तो कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे टेन हो जाएंगे तो टेन फिल कर देते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन नाइन टेन कुछ इस तरह से फिल करेंगे लेकिन जैसे ही हम एन टू से ओ टू की तरफ बढ़ते हैं अब होता क्या है यहाँ पर बेसिकली एस पी मिक्सिंग हो जाती है जिसकी वजह से क्रॉस ओवर होता है और ये जो सिग्मा जी जो टू पी से बन रहा था बॉन्डिंग मोलिकोल पर उसकी एनर्जी कम हो जाती है ठीक है अभी तक क्या हो रहा था वो ऊपर आ रहा था पाई के ऊपर आ रहा था लेकिन अब वो पाई वालों के नीचे आएगा तो ये आपको ध्यान रखना कि ओ टू और एफ टू के लिए ठीक है या बोल दो मोर देन फोर्टीन इलेक्ट्रॉन के लिए अगर डायटोमिक की बात है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन अब ये वाली फॉलो होगी ठीक है ये वाली फॉलो नहीं होगी अब ओ टू या कितने इलेक्ट्रॉन होंगे ट्वेल्व इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन एंड ट्वेल्व इसीलिए ओ टू क्या है है तो इवन इलेक्ट्रॉन स्पीशीज लेकिन फिर भी पैरामैग्नेटिक होता है तो यही एम से हम उसको एक्सप्लेन करते हैं क्योंकि यहाँ पर इसके पास क्या है दो अनपेड इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं ठीक है अब अगर मैं बात करूँ किसकी एफ़ टू की तो एफ़ टू के कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं फोर्टीन uh, हो जाएंगे यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पर फिल कर देते हैं हम ठीक है ये कितने हो गए सिक्स हो गए सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टी नाइन फोर्टीन तो इस तरह से कुछ इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन होती है ठीक है तो आपके बी टू सी टू एन टू ओ टू एफ़ टू यहाँ से कवर होगा ठीक है आप इन अब आपसे क्या कटाइन एन आन भी पूछ लेते हैं सी टू प्लस बताओ एन टू प्लस बताओ एन टू माइनस बताओ ओ टू प्लस बताओ ठीक है उन सबकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन ठीक है तो आप क्या करो जैसे ओ टू प्लस का बताना तो एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो उसको तो ये जो हाइएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिकुलर ऑर्बिटल हैं इनको हम क्या बोलते हैं होमो बोलते हैं ठीक है और ये जो लोवेस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिकुलर ऑर्बिटल हैं इनको हम क्या बोलते हैं लोमो बोलते हैं ठीक है मतलब जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन जो हाइएस्ट ऑक्यूपाइड है मॉलिकुलर ऑर्बिटल है उसको होमो बोलते हैं और उसके फर्दर ऊपर वाला जो अनऑक्यूपाइड है उसको हम लोमो लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिकुलर ऑर्बिटल ठीक है तो ये ध्यान रखना है अब आप अब आप, हम यहाँ पर क्या करते हैं ये हमारे डायाडामिक के तो यहीं से कवर हो गए कैसे बनाना है आपको ठीक है समझ में आ गया होगा कि डाएडोमिक में जो एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जीज होती है वो सिमिलर होती है मैं बना के यहाँ पे दिखा देता हूँ ठीक है हम बना लेते हैं जैसे हीलियम के लिए बना लेते हैं हीलियम ठीक है अब हीलियम है मान लेते हैं यहाँ पर और यहाँ पर एक हीलियम कुछ इस तरह से ठीक तो है तो हीलियम में कितने है? होते हैं मेरे दो इलेक्ट्रॉन होते हैं 1s2 तो ये 1s ऑर्बिटल और बिटर दोनों का दो इलेक्ट्रॉन इधर होंगे दो इलेक्ट्रॉन इधर होंगे तो यहाँ पर बॉन्डिंग वाला बन गया और यहाँ पर मेरा एंटी बॉन्डिंग वाला बन गया ठीक है तो भर देते हैं इलेक्ट्रॉन कितने चार हो गए टोटल अब ये मेरा सिगमा जीरेड है और ये सिगमा अनजरेड है ठीक है ये हो गए अब मेरा क्या आता है एक इंपॉर्टेंट क्या आता है मेरा बॉन्ड ऑर्डर ठीक है बॉन्ड ऑर्डर तो बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है नंबर ऑफ बॉन्डिंग ठीक है नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स डिवाइड बाय क्या करूँगा टू कर दूंगा ठीक है तो जब ऐसे करते हैं तो हम यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर आ जाता है अब इसका अगर निकालेंगे तो दो बॉन्डिंग में है माइनस दो एंटी बॉन्डिंग में डिवाइड बाय टू मतलब ये ज़ीरो आ गया तो बॉन्ड ऑर्डर तो जीरो आ गया और अगर बॉन्ड ऑर्डर जीरो आ गया मतलब उसका मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता मतलब कि एच ई टू नहीं बनेगा ये ध्यान रखना है ठीक है तो बॉन्ड ऑर्डर जीरो आ गया तो एच ई टू बॉन्डेड स्टेट में नहीं मिलेगा आपको ठीक है केमिकल बॉन्ड नहीं होगा उसके बीच में तो ये हम बॉन्ड ऑर्डर से हम बेसिकली बता सकते हैं कि बॉन्ड लेंथ कैसे है यही और एग्जाम में पूछते भी हैं एग्ज़ाम में आपको देखो किस किस चीज़ आप से आपसे क्या पूछेगा बॉन्ड ऑर्डर बॉन्ड लेंथ थर्मल स्टेबिलिटी थर्मल स्टेबिलिटी बेसिकली बॉन्ड ऑर्डर से आप जितना बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा उतना स्टेबल होगा ठीक है उसके बाद पैरा डाया पूछ सकते हैं ठीक है ये तीन चार तरह के ही क्वेश्चन बनते हैं और आप वो कि होमो का नेचर क्या होगा लूमो का नेचर क्या होगा ठीक है ये तो थी डायाटॉमिक टर्म सिंबल की सॉरी डायाटोमिक मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की अब हम देखते हैं

तो वो तो हाइड्रोजन जैसे मान लेते हैं हाइड्रोजन ये रहा और फ्लोरीन यहाँ पे कहीं ठीक है तो हाइड्रोजन पे क्या होता है वन एस ऑर्बिटल तो अगर हाइड्रोजन का वन एस ऑर्बिटल यहाँ है तो आपको पता है फ्लोरीन का जो होगा फ्लोरीन का टू पी भी इससे नीचे होगा तो पहले टू पी आ जाएगा और यहाँ पर कहीं टू एस होगा ठीक है तो इतना एनर्जी में डिफरेंस होता है एच एफ एफ अब ये इतना एनर्जी में डिफरेंस है तो मैंने कंडीशन क्या बताई थी मॉलिकर ऑर्बिटल बनाने की कि एटॉमिक ऑर्बिटल के बीच में एनर्जी डिफरेंस बहुत ही कम होना चाहिए तो ये तो बहुत ज़्यादा हो गया तो ये वाला तो इससे कंबाइन कर ही नहीं पाएगा तो ये वाला क्या होता है इसमें जैसे दो इलेक्ट्रॉन होते हैं ठीक है थीके? इसमें दो इलेक्ट्रॉन होंगे इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे फ्लोरिन के पाँच इलेक्ट्रॉन होंगे ठीक है हाइड्रोजन के मेरा एक ही इलेक्ट्रॉन होता है तो ये तो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं करता और ये एज एट इज क्या रह जाते हैं मेरे नॉन बॉन्डिंग ठीक है ये वाले बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं करते अब टू पी है और वन है थोड़ा इनके बीच में एनर्जी डिफरेंस कम है तो ये वाले कंबाइन करते हैं और एक मेरा क्या बनाते हैं बॉन्डिंग और एक मेरा क्या बनाते हैं एंटी बॉन्डिंग ठीक है तो यहाँ से बॉन्डिंग आ गया एक बना लिया अब के से वन ऐसे तो वहाँ से अगर z मेरा इंटर न्यूक्लियर एक्सरा होगा तो टू पी जेड वाले ने बना लिया होगा सिग्मा बॉन्ड तो ये सिग्मा क्या होगा जीरेड तो और ये कि सिगमा अनजीरेड या तो सिग्मा और सिग्मा स्टार से भी दिखा सकते थे अब इलेक्ट्रॉन एक इसका आया एक इसका आया तो दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर फिल हो गए ठीक है लेकिन अभी उस पर पाँच इलेक्ट्रॉन थे एक उसने यहाँ पर ऑर्बिटल में आ गया लेकिन बचे अभी चार इलेक्ट्रॉन वो चार के चार यहाँ पर क्या होते हैं एज अ नॉन बॉन्डिंग ही रह जाते हैं ठीक है ये भी क्या होंगे नॉन बॉन्डिंग ही रहेंगे ठीक है ये भी क्या रहेंगे नॉन बॉन्डिंग ही रहेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर अगर मैं इसके होमो की बात करूँ फ्लोरीन के होमो की बात करूँगा तो क्या है इसका होमो ना ही इसका बॉन्डिंग है और ना ही एंटी बॉन्डिंग है इसका क्या है होमो क्या होते हैं नॉन बॉन्डिंग होते हैं ठीक है थीके? तो ये आपसे यहाँ पर एग्ज़ाम में कभी पूछा भी हुआ है ठीक है कि बताओ कि कैसा नेचर होता है एच के होमो का या होमो में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं ऐसे भी पूछ सकते हैं ठीक है तो यहाँ पे कितने चार इलेक्ट्रॉन हैं दो पेयर हैं इलेक्ट्रॉन के बेसिकली होमो में और बाकी जो एक लोन पेयर है वो तो बहुत ही निक कम एनर्जी का होगा क्योंकि टू एस ऑर्बिटल में ये बेसिकली टू पी वाले में ये रहेंगे ठीक है तो आपको पता है एच में तीन लोन पेयर होते हैं और एक मेरा सिगमा बॉन्ड होता है तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा ठीक है इसका बाउंडर निकाल लेते हैं बाउंड ऑर्डर कितना आएगा इसका बॉन्ड ऑर्डर जो आएगा वही अपना बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग तो टू माइनस ज़ीरो डिवाइड बाई टू तो यहाँ पर कितना आ जाएगा वन तो आपको पता है एच एफ कैसा होता है एक सिंगल बॉन्डी तो होता है उसके बीच में तो वन आ गया बॉन्ड ऑर्डर वन आ गया तो एच एफ आ गया ठीक है तो नेक्स्ट क्या देखेंगे हम नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं क्या मेरा एक और हम हैट्रो एटॉमिक देख लेते हैं हेट्रोडाटोमिक जो कि क्या है एनओ ठीक है वैसे एक चीज़ और है यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर क्या हो गई कि जैसे अगर आपको यहाँ पर एच है ठीक है और एच में जब आपका क्या कहते हैं जैसे अगर सेंटर ऑफ़ सिमेट्री प्रेजेंट ना हो जैसे हाइड्रोनिक्लो डायटोमिक में क्या होती है सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होती है तो अब हम यहाँ पर क्या करते हैं ये जी रेड और जी रेड क्या करते हैं नहीं लगाते हैं ठीक है ये ध्यान रखना क्योंकि जी रेड और एंजी रेड कब होते हैं जी रेड और एंजीड तभी आएंगे जब मेरी सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो ठीक है अब सेंटर ऑफ सिमिट्री नहीं प्रेजेंट है तो वहाँ पर जीरेड और एंजेड लगाने का मतलब नहीं बनता मतलब। तो यहाँ पर सिग्मा और इसको सिग्मा स्टार ही दिखाना पड़ेगा ठीक है ऐसे दिखाएंगे इसको नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्या है मेरा बेसिकली एनओ के लिए देखते हैं एनओ का ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम में इसके बारे में पूछा भी जाता है ठीक है एनओ का तो एनओ है बेसिकली अब एनओ है है तो ये कितने अगर इसके इलेक्ट्रॉन देखे जाएँ तो 15 इलेक्ट्रॉन्स हैं ठीक है टोटल कितने हैं फिफ्टीन इलेक्ट्रॉन से अब मैंने बताया था फोर्टी से ज़्यादा वाला होता तो फिर वहाँ पर कुछ चेंजेस आते लेकिन इसमें थोड़ा सा अलग है क्योंकि वो सिर्फ के, के केसेस में ठीक है अगर आपके पास सॉरी वो क्या है होमोन्यूक्लियर के केस के, के, के लिए यहाँ पर क्या हेट्रोन्यूक्लियर डाटॉमिक आ गया तो यहाँ पर थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट है ठीक है तो है क्या बेसिकली यहाँ पर एन एक हमारा सी वाला भी इंपॉर्टेंट केस है लेकिन उसको हम क्या करेंगे ऑर्गेनोमेटेलिक में डिस्कस करेंगे ठीक है यहाँ पर हम एन का देख लेते हैं तो यहाँ पर नाइट्रोजन है ऑक्सीजन है ठीक है नाइट्रोजन के टू एस ऑर्बिटल लेट सपोज यहाँ पर है ठीक है अब ऑक्सीजन क्या है ऑक्सीजन क्या है नाइट्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो उसके थोड़े से नीचे बना देते हैं ये टू एस हो गया ये इसका टू एस हो गया ठीक है सिमिलरली अब ये टू एस है तो ये टू एस वाले क्या करेंगे एक तो मेरे बॉन्डिंग बना देंगे और एक मेरा एंटी बॉन्डिंग बना देंगे ठीक है तो ये क्या हो जाएगा सिग्मा और ये क्या हो जाएगा सिग्मा स्टार हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है यहाँ पर लेट सपोज यहाँ पे इसके 2p वाले हो गए तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भी देते हैं दो दो इलेक्ट्रॉन होंगे ठीक है और यहाँ पर इसके 2p कुछ यहाँ पे आ जाएंगे ठीक है अब इसमें कितने नाइट्रोजन कॉन्फिग्रेशन क्या होती है बी थ्री होती है तीन इलेक्ट्रॉन आएंगे इसमें और इसमें चार आ जाएंगे ठीक है तो इसका भी यहाँ पर क्या बनेगा अब? बट इसमें क्या होगा कि ये पाई बॉन्ड वाले पहले आ जाएंगे पाई वाले ऑर्बिटल और सिग्मा वाले बाद में ही आएंगे ठीक है ये आ गया मेरा फिर से पाई और ये आ गया मेरा सिग्मा ठीक है कुछ इस तरह से ये बन जाएगा इसका एम ठीक है अब इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं तो ये दो ठीक है चार इलेक्ट्रॉन ये हो गए ठीक है ये वाला कैसा है मेरा पाई है ये कैसा है सिग्मा कौन सा वाला पी वाला और ये कैसा है मेरा पाई स्टार है और ये कैसा है सिगमा स्टार कौन सा पी वाला ठीक है ये एस वाले थे वो पी वाले थे ठीक है अब इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे बढ़ें? भरेंगे कितने हैं ये सेवन इलेक्ट्रॉनस से? हैं तो पहले हम सिंगली ऑक्यूपाइड करेंगे पोलियक्स प्रिंसिपल इसमें भी हम इलेक्ट्रॉन फिलिंग जब करते हैं तो हम वही अपना पॉली एक्सुन प्रिंसिपल हंस रोल और अब्बो प्रिंसिपल ही फॉलो करते हैं ठीक है तो यहाँ पे टोटल ऐसे हो जाएंगे ये भी हो गए और एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो ये क्या है मेरा एनो का एम डायग्राम है अब NO का अब बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर अब इसके पहले तो आप इसका अगर होमो की बात करोगे तो ये इसका होमो है ठीक है क्या है पाई स्टार है ठीक है लेट सपोज और इसका लूमो क्या होगा लूमो भी यही हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर अभी खाली है तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ सकता है ठीक है तो आपसे क्या करेगा एनओ का ये हो गया एनओ प्लस का ही पूछ सकता है प्लस में क्या करोगे यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा ठीक है एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो पाई स्टार इसका क्या हो जाएगा लूमो हो जाएगा लेकिन अब जो सिगमा है वो इसका क्या होगा होमो होगा ठीक है तो यही हमें ध्यान रखना है ठीक है थीके? तो ये एनो का मल्कुलर ऑर्बिटल डायग्राम होता है ऐसे ही आप और भी बना सकते हैं थोड़ा सा बस आपको इलेक्ट्रो का ध्यान रखना जितना ज़्यादा डिफरेंस उतना नीचे ऑर्बिटल आएगा इनमें ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं होता नाइट्रोजन ऑक्सीजन में लेकिन ऑक्सीजन का फिर भी कम होता है तो उसका हल्का सा नीचे होता है तो फिर भी यहाँ पर बॉन्डिंग आराम से हो जाती है ठीक है तो एनओ प्लस का है एनओ का है अब यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कर लेते हैं तो बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर बेसिकली क्या होता है भाई एंटी बॉन्डिंग बॉन्डिंग तो यहाँ पर कितने हो गए दो और छः और दो आठ एट तो मेरे क्या हो गए बॉन्डिंग वाले हो गए माइनस एक एरा और दो ईर है तो तीन एंटीबॉन्डिंग डिवाइड बाई टू करेंगे तो ये कितना आ जाएगा टू पॉइंट फाइव आ जाएगा ठीक है तो अगर आप देखें अब एनओ प्लस का अगर बॉन्ड ऑर्डर निकालना है तो आप ऐसे ही बता सकते हैं ठीक है एनओ प्लस में क्या होगा एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा कहाँ से निकल रहा है एंटी बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा हमेशा बढ़ेगा बॉन्डिंग से जा रहा है तो घटेगा और एंटी बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन अगर जा रहा है तो बढ़ेगा ठीक है सिमिलरली अगर एंटी बॉन्डिंग में आ रहा होगा तो घटेगा और बॉन्डिंग से जा रहा होगा तो भी घटेगा ठीक है तो वो देखते हैं तो यहाँ से क्या हुआ एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से कम हो गया तो अब क्या हो जाएगा एट माइनस टू डिवाइड बाई टू देट इज़ थ्री ठीक है तो ये किसके लिए है एन ओ प्लस के लिए बॉन्ड ऑर्डर है ठीक है ऐसी एन ओ माइनस के लिए क्या होगा एन ओ माइनस में क्या होगा एंटी बॉन्डिंग में आ जाएगा तो फिर से क्या हो जाएगा और बॉन्ड ऑर्डर कम हो जाएगा टू पॉइंट फाइव से भी कम हो जाएगा कितना हो जाएगा टू हो जाएगा ठीक है तो इसकी एक ट्रिक है ठीक है ट्रिक देखते हैं अगर आपको बॉन्डर निकालना है ठीक है तो बॉन्डर आप कैसे निकाल सकते हैं लेट सपोज आपके पास फोर्टीन इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़ है ठीक है फिर इधर थर्टीन है ट्वेल्व 11, टेन ऐसे और इधर मेरा फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन और एटीन है ठीक है तो फोर्टीन वाले से आप स्टार्ट करेंगे यहाँ कितना है बाउंड थ्री और पॉइंट फाइव इधर इस तरफ आप घटाते गट, जाइए और इधर पॉइंट फाइव घटाते जाइए दोनों तरफ ठीक है तो ये टू पॉइंट फाइव टू वन पॉइंट फाइव वन और ये टू पॉइंट फाइव फिर यहाँ पर कितनी आ जाएगी टू वन पॉइंट फाइव एंड वन ठीक है तो ये आपको ध्यान रखना फोर्टीन इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है तीन बट ये हर चीज़ हर सब में नहीं होगी ठीक है डायाडोमिक में तो सब में है सी ओ में सिर्फ ये फॉलो नहीं होती ट्रिक बाकी सब में आपको ये ट्रिक ऑलमोस्ट क्या होगी जनरली फॉलो हो जाएगी ठीक है तो फोर्टीन इलेक्ट्रॉन स्पीशीज आई तो तीन बॉन्ड ऑर्डर आ गया थर्टीन आई तो टू पॉइंट फाइव फिफ्टी आई तो टू पॉइंट फाइव मतलब अगर एक इलेक्ट्रॉन माइनस कर रहे हैं या इलेक्ट्रॉन बढ़ा रहे हैं तो बॉन्ड ऑर्डर टू पॉइंट पॉइंट फाइव कम हो जाएगा इसलिए एनओ प्लस में कितने थे फोर्टीन इलेक्ट्रॉन थे इस वजह से उसका बॉन्डर थ्री था और एन में कितने थे फिफ्टीन थे तो उसका बाउंड्रे टू पॉइंट फाइव था तो ये आपको ध्यान रखना है ट्री ठीक है अब हम नेक्स्ट अपना टॉपिक देखते हैं वो क्या है अपना टर्म सिंबल तो टर्म सिंबल निकालने के लिए आपको एम आना ही चाहिए ठीक है एम के टी के है तो उसको मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम बनेगा उसकी मोलिकुलर ऑर्बिटल कॉन्फिग्रेशन निकलेगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन तो उसी से आप टर्म सिंबल निकाल सकते हैं ठीक है थीके? तो बेसिकली एम की बात करूँ तो एम से आपको मैंने बता दिया कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एक तो मेरा क्या कह सकते हैं पूछ सकते हैं कि डाया मैगनीटिक है या पैरामैग्नेटिक स्पीशीज़ है ठीक है वो पूछा जा सकता है नेचर ऑफ होमो एंड लोमो पूछा जा सकता है ठीक है और क्या पूछा जा सकता है कि बॉन्ड ऑर्डर कितना है बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर पूछ लिया जाता है बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर पूछ लिया जाता है स्टेबिलिटी पूछ लिया जाता है तो चार पांच तरह के क्वेश्चन बनते हैं और वही एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते हैं ठीक है थीके? अब डायाटोमिक टर्म सिंबल की बात करते हैं डटोमिक टर्म सिंबल को हम बेसिकली इस स्केलेटल में लिखते हैं ठीक है थीके? अब ये है क्या तो टू एस प्लस वन बेसिकली इस क्या होती है स्पिन मल्टीप्लीसिटी होती है स्पिन मल्टीप्लीसिटी ठीक है उसको थोड़ा सा बढ़ा स्पिन मल्टीप्लिसिटी होती है और ये जो मैंने ये ऐसा उल्टा वी बना रखा है इसको क्या बोलते हैं ये लैम्डा कैपिटल लैम्डा होता है ठीक है तो ये हमारा क्या बताता है रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम और फिर हम वही जीरेड और अंजीरेड मतलब सेंटर सिमेट्री है तो जीरेड और नहीं है तो अंजीरेड मतलब वही अगर डायाटॉमिक आया और वो हैड्रोन्यूक्लियर हुआ तो हम जी और यू यूज नहीं करेंगे उसके बाद अगर ये क्या कहते हैं जैसे हमारा बेसिकली ये टर्म सिंबल जैसे आपने एटोमिक टर्म सिंबल पढ़े होंगे वहाँ पे टू एस प्लस वन एल जे होता था यहाँ पर ये थोड़ा सा अलग है ठीक है तो ये अब अब अगर वहाँ पे एल होता था वहाँ पे हम एस पी डी एस लिखते थे यहाँ पर क्या है लेमडा अगर जीरो है तो सिगमा आएगा वन है तो पाई टू है तो डेल्टा और थ्री है तो फाई आ जाएगा ठीक है तो ये तीन चार चीज़ें होती अब हम निकालते हैं किसी का जैसे कि अभी हमने देखा था हम निकालते हैं किसका ओ टू का ही देख लेते हैं ठीक है ओ टू में हमने अभी देखा था जो हमारे पाई स्टार वाले ऑर्बिटल होते हैं क्योंकि हमें सिर्फ होमो की ज़रूरत होती है इसमें पाई स्टार ऑर्बिटल होते हैं जो होमो तो उसमें एक एक इलेक्ट्रॉन ऐसे कुछ होता है ठीक है अब पाई वालों के लिए जो ये लैमडा की वैल्यू होती है एक के लिए प्लस वन और एक के लिए माइनस वन ठीक है सिग्मा सिगमा के लिए जीरो होती है ये ध्यान रखना है सिग्मा के लिए जीरो और पाई के लिए प्लस वन और माइनस वन तो आप बताइए एक इलेक्ट्रॉन प्लस में एक इलेक्ट्रॉन माइनस में ठीक है तो पहले तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालते हैं तो टू एस प्लस वन निकालना है अगर मुझे तो एस की वैल्यू क्या होगी दो अनपेड इलेक्ट्रॉन है और एक की हाफ स्पिन होती है तो हाफ इंटू टू तो कितना आ जाएगा वन आ जाएगा और जब वन पुट करोगे यहाँ पे तो यहाँ पे स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या आ जाएगी थ्री तो अगर एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितनी आएगी वन बाई टू सॉरी स्पिन मल्टीप्लिसिटी टू आएगी ठीक है अगर दो अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो स्पिन मल्टीप्लिटी थ्री आएगी अगर जीरो अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी वन आएगी ठीक है तो यहाँ पर थ्री आ जाएगी तो ये तो एक थ्री बन गया अब अगर मैं बात करूँ इसकी लेमडा की तो लेमडा कैसे निकालेंगे इनकी वैल्यू से एम एल की वैल्यू से मतलब जो बेसिकली ये प्लस वन और माइनस वन है तो एक प्लस वन में एक माइनस वन में दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो कितनी आ जाएगी कि जीरो आ जाएगी और अगर ज़ीरो आ गई तो क्या लिखते हैं हम सिग्मा लिखते हैं ठीक है अब सिग्मा आ गया अब वो पूछ रहा है जीरेड या जीड पाई स्टार कैसे होते हैं मेरे पाई जी रेड नेचर के होते हैं तो जीरेड इंटू जीरेड क्या होगा जीरेड ही होगा ठीक है ये भी ध्यान रखना है कि जो जी रेड इंटू जी रेड आएगा वो तो जी रेड आएगा अन जीरेड इंटू अन भी क्या आएगा जीरेड आएगा लेकिन जीरेड इंटू अन जो आएगा वो अनजीरेड आएगा ठीक है ये भी ध्यान रखना है हमें तो ये क्या हो गया थ्री सिग्मा आ गया अब यह क्या जीरेड जीरेड आ गया क्योंकि ये जीरेड था अब लेकिन अगर सिग्मा आया है तो आपको प्लस और माइनस भी लगाना पड़ता है ठीक है तो अगर सिग्मा आया और अगर थ्री आया तो आप लगाएंगे क्या माइनस और अगर वन आया तो आप लगाएंगे क्या प्लस ठीक है तो यहाँ थ्री आया तो माइनस तो ये मेरा क्या आ गया O2 का ग्राउंड स्टेट का डायटोमिक टर्म सिंबल आ गया ठीक है तो आप ऐसे ही सबके निकाल सकते हैं ओ टू ओ टू प्लस सी टू ठीक है ग्राउंड स्टेट में आप टर्म सिंबल ऐसे निकाल सकते हैं ठीक है थीके? अब अगर मैं बात करूँ हेड्रो एटोमिक हेट्रो एटोमिक की, की तो अगर मैं एनओ की ही बात कर लूँ ठीक है एनओ एन ओ प्लस की देख लेते हैं एन ओ प्लस का देख लेते हैं अब एनओ प्लस था अभी एनओ का मैंने वो डायग्राम बनाया था पीछे ठीक है तो आप यहाँ से ऐसे देख सकते हैं तो हमें यहाँ पे क्या है इसी की ज़रूरत होती है फाइव स्टार की तो ये हमने एन ओ प्लस एन ओ प्लस में क्या होगा ये भी नहीं होगा होमो क्या होगा ये वाला होगा और इसमें क्या है एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है और इसकी वैल्यू क्या होती है ज़ीरो होती है ठीक है तो अब देखते हैं आगे तो यहाँ से क्या आया पता चला मुझे जो एस की वैल्यू है वो ज़ीरो आ गई तो एस के लिए ज़ीरो के लिए बताया था मैंने टू एस प्लस वन कितना आएगा वो आएगा वन आ जाएगा ठीक है तो वन लिख देते हैं अब लैमडा की वैल्यू क्या है वहाँ पर जीरो ही है सिग्मा में प्रेजेंट है तो सिग्मा आएगा ठीक है अब इसमें क्या है इसमें जीरेड और इंजीड लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर क्या है सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट ही नहीं है मॉलिक्यूली सेंटर ऑफ सीमेट्री नहीं है ठीक है तो यहाँ पर हमें जीरेड और इंजीरेड लगाने की ज़रूरत नहीं होती है तो अब क्या करेंगे हम यहाँ पर लेकिन प्लस माइनस तो लगाना पड़ेगा तो वन आ गया तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे प्लस लगा देंगे तो ये क्या आएगा एनओ प्लस का ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल आ जाएगा तो ऐसे ही आपको अगर एम पता है किसी की भी तो आप टर्म सिंबल ईजीली निकाल लोगे ठीक है तो ये हो गया हमारा टर्म सिंबल अब इसमें क्या होता है एक ट्रांजिशन वाला पोर्शन होता है ठीक है आपसे क्या पूछा जा सकता है ट्रांजिशन भी पूछा जा सकता है ठीक है कि कौन सा अलाउड ट्रांजिशन है कौन सा फॉर्म ट्रांजिशन है तो अलाउड ट्रांजिशन बेसिकली क्या होती है जो डेल्टा एस होगा सिलेक्शन रूल क्या है वो क्या होना चाहिए ज़ीरो होना चाहिए स्पिन चेंज नहीं होनी चाहिए ठीक है ये क्या है मेरे सिलेक्शन रूल्स हैं सिलेक्शन रूल्स ठीक है तो क्या हो डेल्टा एस जो होगा वो ज़ीरो होगा और डेल्टा जो वो लैमडा होगा वो क्या हो सकता है ज़ीरो और प्लस माइनस वन हो सकता है ठीक है तो जीरो भी हो सकता है और प्लस माइनस वन होता है और क्या है मेरा प्लस टू प्लस अलाउड होगा और माइनस टू माइनस अलाउड होगा एस और जीरेड टू अनजीरेड अलाउड होगा और अन टू जी अलाउड होगा ठीक है तो ये सारे क्या हैं मेरे सिलेक्शन रूल हैं तो इस तरह से आप बता सकते सबसे पहले स्पिन देख लेना आप फिर अपना वो देख लेना एम एल जरूरी नहीं ऑर्डर में बस ये सारी चीज़ें सारी चीज़ें ही फॉलो होनी चाहिए ठीक है तब जाके मेरा क्या होता है कोई ट्रांजिशन जो होता है वो अलाउड या फॉरबिडन होता है ठीक है तो ये हमारा लास्ट टॉपिक था ठीक है तो यही हमारे क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं और इन्हीं से बार बार क्या होते हैं क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एग्ज़ाम में तो हम आई होप कि मैंने सब कुछ कवर कर लिया हो कुछ ना कुछ तो रह ही जाता है बेसिकली लेकिन आप अगर इतना भी पढ़ते हैं तो आपको एग्ज़ाम में ज़रूर फ़ायदा मिलेगा ठीक है नेक्स्ट क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट नेक्स्ट क्लास में क्या होगा मैं इस इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर इन्हीं टॉपिक या केमिकल बॉन्डिंग का एक टेन क्वेश्चन का असाइनमेंट ये बोल लेते हैं या टेस्ट बोल देते हैं ठीक है वो आएगा यहाँ पर हम उसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे डिटेल में और उनको डिस्कस करेंगे तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन होंगे वो रेफरेंस बुक से बनाए हुए क्वेश्चन होंगे और एग्ज़ाम में आने के चांस उनके बहुत ज़्यादा हैं ठीक है थीके? तो आप पहले क्या करें इसको रिवाइज़ करें अच्छे से इस वीडियो को अच्छी तरीके से देखें और नेक्स्ट हम उसमें क्या करते हैं क्वेश्चन के साथ मिलेंगे ठीक है आया अब आपको समझ में आया होगा हैप्पी लर्निंग